वेलकम बैक एवरी वन दिस इज माई इंग कोठारी एंड लेट्स कंटिन्यू विद द कॉन्वेक्सिटी टॉपिक दैट वी स्टार्टेड बैट द एंड ऑफ द लास्ट लेक्चर कॉन्वेक्सिटी टॉपिक एक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है वो है सर मॉडिफाइड ड्यूरेशन अब मॉडिफाइड ड्यूरेशन का जो कॉन्सेप्ट था वो आया था मैकोलिस ड्यूरेशन से मैकोलिज ड्यूरेशन पहले तो ये बताता है कि प्रेजेंट वैल्यू बॉन्ड की कितने समय में रिकवर हो रही है उस मैकोलिस्ट ड्यूरेशन को हमने न्यूमरेटर में रखा डिवाइडेड बाय वन प्लस वाई किया तो हमें मॉडिफाइड ड्यूरेशन मिला यानी कि वोलेटिलिटी वोलेटिलिटी या मॉडिफाइड ड्यूरेशन ये बताता है कि मार्केट प्राइस में कितना चेंज होगा अगर वाई टी से बदला तो बट प्रॉब्लम आ रही थी कि वाई जब दो तीन चार पाँच परसेंट से बदल रहे थे तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन उतना सही आंसर नहीं दे रहा था मॉडिफाइड ड्यूरेशन अप्रॉक्सिमेट आंसर देता है एक्यूरेट आंसर नहीं देता तो जब वाई में चेंज एक परसेंट का आधा परसेंट का और इतना हो तब तक तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन भी ऑलमोस्ट सही आंसर दे देता है बट जब वाई में चेंज आप बढ़ाओगे तब वो एक्यूरेट आंसर नहीं देगा यही हमने लास्ट लेक्चर में देखा था आपने ध्यान दिया होगा जो हमने एग्जाम्पल देखा उसमें एक्चुअल चेंज जो मार्केट प्राइस में आ रहा था कहाँ से सत्रह परसेंट से अठारह परसेंट करने में अठारह नहीं पाँच परसेंट बढ़ाया था ना यस याद ध्यान देना ये रहा सत्रह परसेंट से ये सत्रह परसेंट से बाईस परसेंट जब हमने वाई टी एम चेंज किया यानी पाँच परसेंट से जब वाई टी एम बढ़ाया तो मार्केट प्राइस सोलह परसेंट से एक्चुअल में गिरी लेकिन मॉडिफाइड ड्यूरेशन के कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमने जब पाँच से मल्टीप्लाई किया तो पाया कि मॉडिफाइड ड्यूरेशन बोलता है कि मार्केट प्राइस अठारह परसेंट से गिरनी चाहिए अब ये तो गलत जवाब दे रहा है ना क्योंकि एक्चुअल में तो सोलह परसेंट से गिरनी चाहिए थी तो 18 परसेंट और 16 परसेंट के बीच के गैप को ठीक करने के लिए कॉन्वेक्सिटी का कॉन्सेप्ट आया मैं शुरू से बताऊंगा सर आपको एक एग्जांपल लेते हैं नया वाला और स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो जो फॉर्मूले आप देख रहे हो चार्ट में कॉन्वेक्सिटी के उनको डिराइव करने तक हम पूरा डिस्कशन देखेंगे क्वेश्चन भले ही दो लेंगे तीन लेंगे लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर दस क्वेश्चन ही क्यों ना आपके सामने रख दिया जाए आपको वजह पता होगी कि आप कर क्या रहे हो। ऐसा नहीं कि बस फिगर्स दे दी फॉर्मूला डाल दिया और आंसर निकाल लिया चार मार्क्स मिल गए एग्ज़ाम सीए फाइनल का है कुछ भी पूछा जा सकता है और तोड़ मरोड़ के पूछा जा सकता है तो तब आप बहुत क्लियर होने चाहिए आइए सर शुरू करता हूँ थोड़ा टाइम लगेगा आधा घंटा बट इसके बाद आपको एक एक डिटेल पता चल जाएगी लेट्स टेक एन एग्ज़ाम्पल लेट्स से कि हम फेस वैल्यू ले लेते ले हैं हज़ार रुपये एक बॉन्ड की कूपन रेट ले लो चार परसेंट का टाइम ले लो पाँच साल का वाई यानी डिस्काउंटिंग का रेट ले लो सात परसेंट का ठीक है ये बेसिक तो चीज़ें आ गई अब इस डिटेल के साथ सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ड्यूरेशन बॉन्ड का ड्यूरेशन ड्यूरेशन निकालने के सर तीन तरीके हैं तीनों डिफरेंट डिफरेंट फार्मूले अभी हमको कोई क्वेश्चन तो सॉल्व करना नहीं है तो मैं फटाक से आंसर निकाल लेता हूँ इस फार्मूले के साथ अगर आपको अभी तक याद हुआ होगा तो प्लस वाई टी एम लेट्स पुट डाउन द फिगर्स 1.07 पॉइंट जीरो सेवन सात परसेंट का वाई हम ले रहे हैं डिवाइडेड बाई पॉइंट जीरो सेवन माइनस वन पॉइंट जीरो सेवन प्लस कूपन रेट है पाँच साल है हमारे कूपन रेट है पॉइंट जीरो फोर माइनस पॉइंट ज़ीरो सेवन डिवाइडेड बाई पॉइंट जीरो फोर इन ब्रैकेट वन पॉइंट जीरो सेवन टू द पावर फाइव माइनस वन प्लस पॉइंट जीरो सेवन ठीक है अब धीरे-धीरे सॉल्व करते हैं धीरे-धीरे क्यों, फटाफट सॉल्व करते हैं तो वो आता है 15.29 न्यूमरेटर ले, ले लेता हूँ, माइनस में आएगा 0.03 आप देख रहे हो चार में से सात माइनस करेंगे तो पूरा न्यूमरेटर आ गया 0.92 कभी भी अगर एक साथ कैलकुलेशन करने एग्ज़ाम में टाइम बचाना है तो ब्रैकेट वाली जो चीज़ें होती है पहले वहाँ से सॉल्व करो तो मैंने स्टार्टिंग में कैलकुलेटर में ये सब नहीं रखा मैंने रखा पॉइंट जीरो फ़ोर माइनस पॉइंट जीरो सेवन तो अपने आप पॉइंट जीरो थ्री माइनस में आ गया उसमें पाँच मल्टीप्लाई किया और उसमें वन पॉइंट जीरो सेवन ऐड कर दिया अपने आप फाइनल आंसर आते हैं नीचे भी अगर मैं एक साथ कैलकुलेशन करने जाऊं तो सबसे पहले कौन सा कैलकुलेशन करूंगा सर ये ब्रैकेट वाला और ये सबसे पहले टू द पावर वाला ये करूंगा इसमें से माइनस वन करूंगा ये मल्टीप्लाई करूंगा प्लस पॉइंट जीरो सेवन करूंगा तो इतना स्मार्ट बनो कि एक ही बार में सारा आंसर निकल जाए क्योंकि इनके बीच के स्टेप्स के लिए आपको कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले बस टाइम जाएगा दो तीन चार पाँच माइनस वन इंटू पॉइंट ज़ीरो फोर प्लस पॉइंट जीरो सेवन तो यह आता है पॉइंट ज़ीरो एट सिक्स अब सीधा सीधा निकालता हूँ एक साथ पॉइंट नाइन टू डिवाइडेड बाई पॉइंट जीरो एट सिक्स क्योंकि माइनस साइन है तो मैं बाद में प्लस माइनस कर दूंगा प्लस फिफ्टीन पॉइंट टू नाइन तो ये आता है फोर पॉइंट फाइव नाइन ये हो गया ईयर्स में कि इतना टाइम लगता है आपकी प्रेजेंट वैल्यू को रिकवर करने के लिए मैं सही बोल रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट होने के बाद एक और कॉन्सेप्ट है ध्यान में रखना वो है सर मॉडिफाइड ड्यूरेशन का यानी कि हम जिसे कहते हैं वो मॉडिफाइड ड्यूरेशन ठीक है उसका फार्मूला बहुत सिंपल है ड्यूरेशन डिवाइडेड बाय वन प्लस वाई टी एम सो फोर पॉइंट फाइव नाइन डिवाइडेड बाय वन पॉइंट जीरो सेवन करोगे आप तो आपका आंसर आता है फ़ोर पॉइंट टू नाइन परसेंट अब ये क्या है थोड़ा सा समझ लो ये है फोर पॉइंट टू नाइन परसेंट चेंज इन मार्केट प्राइस फॉर वन परसेंट चेंज इन वाई टी एम अब वाई टी नीचे जाएगा तो मार्केट प्राइस ऊपर जाएगा जैसे वाई टी नीचे गए तो मार्केट प्राइस ऊपर और वाई टी ऊपर गया तो मार्केट प्राइस नीचे ये तो अपोजि चेंज होगा ये आपको समझ में आना चाहिए ठीक है यहाँ तक आपका क्लियर हो गया यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ये तो हम सब पहले भी देख चुके हैं अब मैं एक काम करता हूँ वाई में कुछ चेंजेस लाता हूँ सात परसेंट वाई टी एम है हमी अभी हमारी हम उसमें एक काम करते हैं तीन का चेंज लाते हैं इंक्रीमेंट भी और डिक्रीमेंट मतलब इंक्रीज और डिक्रीज़ दोनों ठीक है तो ध्यान देना सबसे पहले मैं कैलकुलेशन करूँगा एट सेवन परसेंट फॉर्मूला क्या होता है सर हमारा मार्केट प्राइस निकालने का इंटरेस्ट इनटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर प्लस रिडम्पशन वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर सही बोल रहा हूँ तो एक काम करते हैं सात परसेंट से आंसर निकालते हैं इंटरेस्ट आपको कितना चालीस रुपये का मिलेगा चार परसेंट का कूपन रेट है चालीस रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा सात परसेंट से आप पाँच साल का फैक्टर ले लो और हज़ार रुपये इज़ द रिडम्शन वैल्यू एट पार वन डिवाइडेड बाई वन पॉइंट जीरो सेवन इक्वल टू एम प्लस एक दो तीन चार पाँच तो आ गया पॉइंट सेवन वन थ्री एम आर सी करोगे तो फोर पॉइंट वन ठीक है थोड़ा और नज़दीक ले लेते हैं जगह लगेगी ना आगे ठीक है अब इसका आंसर देखो क्या आता है एक साथ निकाल लेता हूँ वो तो सात सौ तेरह हो जाएगा फोर्टी इंटू फोर फोर्टी इंटू फोर पॉइंट वन प्लस सात सौ तेरह तो ये आता है सर आपका एट सेवेंटी सेवन आज की मार्केट प्राइस है एक काम करते हैं वाई टी एम को दस परसेंट कर देते हैं बढ़ा लेते हैं तीन परसेंट से तो चालीस इंटू आपका फैक्टर आएगा थ्री पॉइंट सेवन नाइन वन दस परसेंट से पाँच साल का एन्यटी फैक्टर प्लस वन थाउजेंड इंटू पॉइंट सिक्स टू वन ये पाँचवा साल का फैक्टर है तो चालीस इंटू थ्री पॉइंट सेवन नाइन वन प्लस छः सौ इक्कीस अगर करोगे तो वो आता है सेवन सेवन टू पॉइंट सिक्स फोर देख रहे हो आप तीन परसेंट से वाई टी एम बढ़ाया तो मार्केट प्राइस गिर गई अब आप एक करो तीन परसेंट उतने ही परसेंट से वाई टी एम गिरा दो तो आपका आंसर आएगा वन थाउजेंड मेरे को कोई कैलकुलेशन यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है क्यों सर चार परसेंट ही कूपन रेट है चार परसेंट ही अगर वाई है तो मार्केट प्राइस और फेस वैल्यू भी सेम होगी अगर कूपन रेट और वाई भी सेम है ये वाला कॉन्सेप्ट तो आपने देखा ही होगा तो मैं अब आगे कैलकुलेशन कर रहा हूँ ध्यान देना <coughs> ये तीन फिगर आ गई आपकी अब हम एक काम करेंगे एक एक को ना थोड़ा सा नाम दे देते हैं कि क्या मतलब निकलता है उन सब चीज़ों का एट सेवेंटी सेवन जो होता है उसको हम नाम दे देते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू है ये बॉन्ड की यह है प्रेजेंट वैल्यू बॉन्ड की करंट वाई टी एम पर यानी कि पी वी ज़ीरो बोल देते हैं तो इसका मतलब ये है प्रेजेंट वैल्यू बॉन्ड की जब हमने वाई टी एम बढ़ाया प्लस का मतलब होता है वाई टी एम बढ़ा पी वी बढ़ा नहीं होता पी वी तो उल्टा गिरता है सो पी वी प्लस का मतलब होता है वाई टी एम जब बढ़ा रहे हो तो प्रेजेंट वैल्यू क्या आ रही है और वाई टी एम जब गिरा रहे हो तो प्रेजेंट वैल्यू क्या आ रही है ठीक है अब क्या हम इनके भरोसे ध्यान <coughs> देना क्या हम इसमें चेंज निकाल सकते हैं कि मार्केट प्राइस में कितना चेंज हुआ परसेंटेज के रूप में यस yes, सर कैसे निकालोगे बहुत सिंपल अगर मार्केट प्राइस गिरी है तो मुझे निगेटिव चेंज निकालना है और बढ़ी है तो पॉजिटिव चेंज निकालना है तो मैं क्या करूँगा सात सौ बहत्तर सेवन सेवेंटी टू में से एट सेवेंटी सेवन माइनस करूँगा छोटी फिगर में से बड़ी फिगर माइनस करोगे तो निगेटिव ही आंसर आना है हमें निगेटिव ही चाहिए तो देखो आपका ये एक टेक्निक बन जाता है पी वी प्लस माइनस पी वी ज़ीरो डिवाइडेड बाय पी वी ज़ीरो क्या मैं ऐसा लूँगा सेवन सेवेंटी टू पॉइंट सिक्स फोर माइनस एट सेवेंटी सेवन डिवाइडेड बाई एट सेवेंटी सेवन तो मेरा परसेंटेज निकल जाएगा कि कितना मार्केट प्राइस गिरी है और निगेटिव में ही आंसर आएगा सेम इसके साथ अगर आप करोगे तो पी वी माइनस माइनस पी वी ज़ीरो पी वी माइनस माइनस पी वी ज़ीरो डिवाइडेड बाय जीरो, चलो यहाँ तक ठीक है आगे बढ़े इससे आपका आंसर आ जाएगा तो आंसर निकालो ना सर ये रहा देखना तो ये एक्चुअल हम इसे क्या नाम देंगे सर एक्चुअल चेंज इन मार्केट प्राइस कितना आया देखो सेवन सेवन टू पॉइंट सेवन 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 टू पॉइंट सिक्स फोर डिवाइडेड बाई एट सेवेंटी सेवन एट सेवन अरे क्या गलत हो सेवन सेवन टू पॉइंट सिक्स फोर माइनस एट सेवन डिवाइडेड बाई एट सेवेंटी सेवन इंटू हंड्रेड तो ये आता है आपका माइनस एलेवन पॉइंट नाइन जीरो परसेंट इंटू हंड्रेड करने के बाद यहाँ थाउजेंड माइनस एट सेवेंटी सेवन डिवाइडेड बाई एट सेवेंटी सेवन इंटू हंड्रेड अगर आप करोगे तो आपका यह आंसर आता है फोर्टीन पॉइंट जीरो टू परसेंट ठीक है माइनस का मतलब है इतने परसेंट से मार्केट प्राइस गिरी यहां पे इतने परसेंट से मार्केट प्राइस बढ़ी तीन परसेंट वाई कम करने पे, तीन परसेंट वाई बढ़ाने पे। अब यही कॉन्सेप्ट अगर आप अकॉर्डिंग टू मॉडिफाइड ड्यूरेशन लेते तो अकॉर्डिंग टू मॉडिफाइड ड्यूरेशन आपका आंसर क्या आता पता है तीन परसेंट से चेंज आया ना तो आप क्या करते रहा कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया हुँ. फोर परसेंट ये एक परसेंट वाई टी एम पर फोर पॉइंट टू नाइन मार्केट प्राइस चेंज हो रही है तो फोर पॉइंट टू नाइन इंटू थ्री करोगे आप यहाँ पे फोर पॉइंट टू नाइन इंटू थ्री यानी मॉडिफाइड ड्यूरेशन का कॉन्सेप्ट बोलता है कि आपकी मार्केट प्राइस ट्वेल्व पॉइंट एट सेवन परसेंट यहाँ गिरनी चाहिए थी और ट्वेल्व पॉइंट एट सेवन परसेंट यहाँ बढ़नी चाहिए थी अब आप देखो यहाँ पे आपको क्लियर डिफरेंस पता चलेगा कि नहीं ऐसा नहीं हो रहा तो यहाँ ऑलमोस्ट वन परसेंट का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे भी वन परसेंट या उससे थोड़ा ज़्यादा ही आ रहा है डिफरेंस तो कितना डिफरेंस आ रहा है ये बताओ कितना आ रहा है डिफरेंस हम निकाल लेते हैं सो एलेवन पॉइंट नाइन ज़ीरो माइनस ट्वेल्व पॉइंट एट सेवन अगर आप करोगे तो यहाँ डिफरेंस आता है पॉइंट नाइन सेवन का ठीक है और यहाँ आता है थोड़ा सा कंस्टेंट। फोर्टीन पॉइंट जीरो टू माइनस ट्वेल्व पॉइंट एट सेवन यहाँ आता है वन पॉइंट वन फाइव का इसका मतलब क्या है यही तो हम बात कर रहे थे अभी तक कि सर मॉडिफाइड ड्यूरेशन से आंसर ठीक नहीं आता एक्यूरेट नहीं आता अप्रॉक्सिमेट आता है यानी आसपास आ जाता है लेकिन एक्यूरेट नहीं आता एक्यूरेट आंसर है ये वाला यानी मॉडिफाइड ड्यूरेशन में अगर ये परसेंटेज हम ऐड कर दे तो हमारा एक्यूरेट आंसर आ जाएगा सो एलेवन पॉइंट नाइन जीरो कैसे निकला सर माइनस ट्वेल्व पॉइंट एट सेवन माइनस ट्वेल्व पॉइंट एट सेवन जो है उसमें आप पॉइंट नाइन सेवन ऐड कर दो या फिर ये फोर्टीन पॉइंट जीरो टू कैसे निकला ट्वेल्व पॉइंट एट सेवन में वन पॉइंट वन फाइव ऐड कर दो दोनों में ऐड कर दो ही आएगा ध्यान देना ऐड कर दो ही आएगा क्योंकि आप निगेटिव साइन पहले ही ले चुके हो अगर होना तो ठीक है ले लिया यहाँ पे अब जब एक्चुअल में आप निकालोगे आपका जो आंसर आएगा मॉडिफाइड ड्यूरेशन का 4.29 कोई एक ही फिगर आएगी कितना एडजस्ट करना अभी मैं यहाँ पे दुविधा में फंस गया कि सर मैं फोर ना पॉइंट नाइन सेवन एडजस्ट करूँ ट्वेल्व पॉइंट एट सेवन में कि वन पॉइंट वन फाइव करूँ क्योंकि दोनों में जो चेंज इन वाई टी एम है वो तो तीन ही परसेंट है तो दोनों में ये जो एडजस्टमेंट आना चाहिए वो भी सेम आना चाहिए बट अलग, अलग अलग आ रहा है इसका क्या कर सकते हैं सर कुछ भी नहीं कर सकते अगर मैं पॉइंट नाइन सेवन लूँगा तो वन पॉइंट वन फाइव बुरा मान जाएगा क्यों भाई ये वाली साइड ने क्या बिगाड़ा अगर वन पॉइंट वन फाइव लूँगा तो ये वाली साइड बुरा मान जाएगी तो एक काम कर सकते हैं सर यहां पे हम ये और ये दोनों कंसिडर कर सकते हैं सर दोनों कैसे कंसिडर करोगे वो तो डबल इफेक्ट हो जाएगा दोनों को कंसिडर करके एवरेज आउट कर दो यानी दोनों का एवरेज आउट जो फिगर आता है वो एडजस्ट कर लो तो सर एवरेज फिगर तो देखो ऐसा आता है पॉइंट नाइन सेवन प्लस वन पॉइंट वन फाइव डिवाइडेड बाई टू पॉइंट नाइन सेवन प्लस वन पॉइंट वन फाइव डिवाइडेड बाई टूंट जीरो सर एवरेज तो इतना आ रहा है लेकिन प्रॉब्लम हो जाएगी एवरेज सर आप एडजस्ट करोगे तो फिर एग्जैक्ट फिगर नहीं आएगी ना क्योंकि एक्यूरेट आंसर तो पॉइंट नाइन सेवन एडजस्ट करने के बाद ही आ रहा था एक्जैक्टली आपका अभी भी एक्यूरेट आंसर नहीं आएगा कॉन्वेक्सिटी से। बट आपकी जो आ, आपका जो आंसर है इट विल बी मोर क्लोजर इट विल बी क्लोजर टू द रियल मार्केट प्राइस तो आपकी एक्यूरेसी 100% परसेंट नहीं आएगी बट 95, 99, 90% परसेंट तक आपका आंसर और एक्यूरेट हो जाएगा तो अभी भी आंसर अप्रोक्सीमेट आ रहा है कॉन्वेक्सिटी से लेकिन 90% परसेंट एरर आप कम कर चुके हो सोचो ना जहां सौ रुपये का डिफरेंस आ रहा था वहां सिर्फ दस रुपये का डिफरेंस या पाँच रुपये का डिफरेंस आएगा तो ठीक है और भी अच्छी बात है तो दिस इज़ गोइंग टू बी द फाइनल थिंग वन पॉइंट जीरो सिक्स क्योंकि हमें दोनों साइड देखनी है अब आप देखो एडजस्ट करके खुद ही देखो अगर मैं वन पॉइंट जीरो सिक्स एडजस्ट करता हूं दोनों में और दोनों में मैंने ऐड ही करना है ठीक है ट्वेल्व पॉइंट एट सेवन पहला वाला नगेटिव था दूसरा वाला पॉजिटिव था ट्वेल्व पॉइंट एट सेवन तो अगर आप करते हो तो देखो आंसर क्या आता है सो ट्वेल्व पॉइंट एट सेवन माइनस वन पॉइंट जीरो सिक्स तो आंसर आया एलेवन पॉइंट एट वन और ट्वेल्व पॉइंट एट सेवन प्लस वन पॉइंट ज़ीरो सिक्स तो आंसर आया थर्टीन पॉइंट नाइन थ्री अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑब्वियसली आंसर में अभी भी डिफरेंस है 11.90 पॉइंट नाइन जीरो की जगह एलेवन पॉइंट एट वन आ रहा है लेकिन देखो कितना नज़दीक आ गया पहले तो ही इतना था नाइन जीरो और ट्वेल्व पॉइंट एट सेवन पूरा एक परसेंट का डिफरेंस था अभी सिर्फ पॉइंट वन का या पॉइंट जीरो नाइन का डिफरेंस है तो दिस इज ऑल्सो अप्रोक्सीमेट बट बेटर देन दिस आंसर इसमें भी सेम वही चीज़ होगी 14.02 और 13.93 में डिफरेंस बहुत कम हो गया जैसे पॉइंट जीरो नाइन का ही तो है यहाँ पे भी यहाँ पे भी पॉइंट जीरो नाइन का वहाँ पे भी पॉइंट जीरो नाइन का ही डिफरेंस आ रहा है जबकि पहले एक एक परसेंट का डिफरेंस आ रहा था तो ये आंसर आपका फाइनल बन जाता है अब इसी से हम फार्मूला डिराइव करेंगे सर मैंने आपको लॉजिक समझा दिया कॉन्सेप्ट समझा दिया आपको ये चीज़ कंफर्म कर दी कि देखो एक्यूरेट आंसर 11.90 आना चाहिए था 12.87 आता है मॉडिफाइड ड्यूरेशन के हिसाब से तो यह गलत है गलत है मतलब बहुत दूर है एक्यूरेसी के तो इसमें कुछ ना कुछ एडजस्ट करना जरूरी है ये जो एडजस्टमेंट हम कर रहे हैं ना इसे कहते हैं कॉन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट तो हमारा फार्मूला भी ऐसा ही होगा सर जो एक्चुअल चेंज इन मार्केट प्राइस हमें निकालना है यानी कि अब हम 11.81 निकालेंगे वो कैसे निकलेगा पहले तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन का चेंज निकाल लो कि आपका मॉडिफाइड ड्यूरेशन क्या बोलता है और फिर उसमें एडजस्टमेंट कर दो ये दो फैक्टर रहेंगे एक जो मॉडिफाइड ड्यूरेशन बोलते हैं दूसरा जो कॉन्वेक्सिटी का एडजस्टमेंट हम उसमें चिपका देंगे तो आप सर डेरीवेशन पर जाते हैं अब देखो आपका पर्पस क्या होना चाहिए ध्यान देना आपको निकालना है सर चेंज इन मार्केट प्राइस और वो है आप कोई भी एक फिगर ले लो या तो एलेवन पॉइंट एट वन परसेंट यह निगेटिव लेना से स्टार्ट करो या तो थर्टीन पॉइंट नाइन थ्री हम कोई भी एक साइड लेके चलते हैं अल्टीमेटली फार्मूला हमें निकालना है ठीक है तो मैं 11.81 पॉइंट एट वन परसेंट ले लेता हूँ ठीक है ले लिया अब ये एलेवन पॉइंट एट वन आया कैसे था ध्यान देना 12.87 में 1.06 एडजस्ट करके आया था तो हमने वो भी लिख लिया 12.87 नेगेटिव प्लस 1.06 पॉइंट ज़ीरो सिक्स एम आई राइट ठीक है बाहर नेगेटिव रखना क्योंकि वो वाली फिगर प्लस ही आएगी हमेशा इसलिए आप बोलोगे नहीं तो सर 12.87 पॉइंट एट सेवन माइनस वन ले लो नहीं यहाँ पे तो ठीक है फिर वो दूसरे वाले इसमें फ़र्क पड़ जाएगा क्योंकि वहाँ तो प्लस ही साइन चाहिए तो यहाँ हमेशा प्लस ही साइन चाहिए इसलिए हमने यहाँ पे बाहर माइनस ले लिया ठीक है 12.87 पॉइंट एट सेवन प्लस जीरो सिक्स हो गया इसे हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं पॉइंट वन टू एट सेवन प्लस पॉइंट जीरो वन जीरो सिक्स यानी डेसिमल्स में कर दिया पहले परसेंटेज में था ना अब मैंने डेसिमल्स में कर दिया ठीक है आगे देखो अब ये पॉइंट वन टू एट सेवन कैसे आया था आप ध्यान दो आपने ये मॉडिफाइड ड्यूरेशन कैसे निकाला था फोर पॉइंट टू नाइन जो मॉडिफाइड ड्यूरेशन था इंटू ये ये था चेंज इन मार्केट प्राइस सो 4.29 पॉइंट टू नाइन इंटू थ्री परसेंट जो चेंज था तो हम यहाँ पे वैसा ही लिख सकते हैं कि 4.29 क्योंकि डेसिमल में लिखना है इंटू पॉइंट जीरो थ्री तीन न लिखते हुए पॉइंट जीरो थ्री लिख दिया कोई दिक्कत तो नहीं है प्लस पॉइंट जीरो वन जीरो सिक्स अब यहाँ से थोड़ा दिमाग एक्स्ट्रा आपको लगाना पड़ेगा ध्यान देना 4.29 पॉइंट टू नाइन ये है सर चेंज इन मार्केट प्राइस फॉर वन परसेंट चेंज इन वाई सही बोल रहा हूँ सिर्फ फोर पॉइंट टू नाइन अगर आप देखोगे तो बट अगर आप फोर पॉइंट टू नाइन इंटू जीरो पॉइंट जीरो थ्री देखोगे तो वो है चेंज इन मार्केट प्राइस फॉर थ्री परसेंट चेंज इन वाई टी एम ठीक है यानी कि ये जो 12.87 है इसमें तीन परसेंट चेंज वाई का इंक्लूडेड है कि हम बोल रहे हैं कि वाई टी तीन परसेंट से बदलेगा तो मार्केट प्राइस इतने से बदलेगी और इसी में हम 1.06 एडजस्ट कर रहे हैं यानी कि 1.06 भी तब निकला है जब हमने तीन परसेंट चेंज से मल्टीप्लाई किया होगा तो इसको वन परसेंट चेंज पे कैसे लाया जा सकता है इसको वन चेंज पे कैसे लाया जा सकता है पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन मॉडिफाइड ड्यूरेशन बोलता है कि मार्केट प्राइस में इतना चेंज आना चाहिए और कॉन्वेक्सिटी के बाद बोलते हैं कि ये जो चेंज आना चाहिए मार्केट प्राइस में उसमें भी 1.06 का चेंज आना चाहिए यानी कि 1.06 और कुछ नहीं चेंज है ऑफ चेंज इन मार्केट प्राइस सो 12.87 क्या बोलता चेंज इन मार्केट प्राइस और 1.6 परसेंट जीरो सिक्स क्या बोलता है सिर्फ चेंज है किस में सर इसमें सो वी कैन राइट इट एज चेंज ऑफ चेंज इन मार्केट प्राइस ठीक है तो अभी फिलहाल के लिए मैं ये इतना लिख के चलता हूँ कि ये क्या है चेंज ऑफ चेंज इन मार्केट प्राइस फॉर थ्री परसेंट चेंज इन वाई अब हम क्या करेंगे इसको एक परसेंट में कन्वर्ट करेंगे देखना कैसे अगला स्टेप फोर पॉइंट टू नाइन इंटू पॉइंट जीरो थ्री ये तो वैसे ही रखो पॉइंट जीरो वन जीरो सिक्स डिवाइडेड बाई पॉइंट जीरो थ्री इंटू पॉइंट जीरो थ्री ध्यान देना मैंने ट्वेल्व पॉइंट एट सेवन में से पॉइंट जीरो थ्री बाहर लिख दिया था तो इतना आंसर जो था सिर्फ फोर पॉइंट टू नाइन वो बन गया था वन परसेंट चेंज इन वा टी एम के लिए क्योंकि वन परसेंट वाली फिगर को तीन से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो वो फिगर तीन परसेंट वाली बनेगी वैसे ही मैंने पॉइंट जीरो वन जीरो सिक्स में से तीन परसेंट बाहर डाल दिया और क्योंकि मेरे को इक्वेशन सेम रखना है तो डिवाइडेड बाय पॉइंट जीरो थ्री करना पड़ा किसी भी फिगर को तीन से डिवाइड करोगे तो एक यूनिट का आंसर आ जाएगा वो है वन परसेंट चेंज आप ध्यान देना क्या आंसर आया हमारा ये आप जब सिर् इतना पार्ट देखोगे तो वो ये बताता है चेंज ऑफ चेंज इन मार्केट प्राइस वन परसेंट चेंज इन वाइटीएम वैसे ही फोर पॉइंट टू नाइन क्या बताता है सिर्फ चेंज इन मार्केट प्राइस फॉर वन परसेंट चेंज इन ये दोनों को जब तीन तीन से मल्टीप्लाई कर दोगे ना तब आपका तीन परसेंट वाला चेंज आ जाता है सो दिस इज चेंज इन मार्केट प्राइस दिस इज चेंज इन चेंज ऑफ चेंज इन मार्केट प्राइस ठीक है ओके okay. अब आगे बढ़ते हैं अब ध्यान देना <coughs> इस पर फोकस करो ये जो ये जो फिगर है ना चेंज ऑफ चेंज इन मार्केट प्राइस अब मैं आता हूं यहां पे ये बताओ क्या था 4.29 परसेंट आपने कैसे निकाला ये क्या था चेंज इन मार्केट प्राइस था ना तो क्या मैं उसको ऐसा लिख सकता हूं मॉडिफाइड ड्यूरेशन इज इक्वल टू चेंज इन मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन वाई हम यही तो बोल रहे थे ना कि मॉडिफाइड ड्यूरेशन का आंसर 4.29 कैसे आया सर 4.29 डिवाइडेड बाय 1 तो 1 परसेंट वाई में चेंज होगा तो 4.29 मार्केट प्राइस में चेंज होगा यही तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन था ना हमारा अब ध्यान देना अगर इसी फार्मूले को ये तो सेम बेसिक फार्मूला मैंने एक चेंज अगर ऐड कर दिया चेंज ऑफ चेंज इन मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाई चेंज इन वाई टी एम सो राइट हैंड साइड में एक चेंज ऐड कर दिया तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि लेफ़्ट हैंड साइड में भी मैं ऐड कर सकता हूँ यस सर अगर आप चेंज ऑफ चेंज इन मार्केट प्राइस लेते हैं तो इट विल बिकम चेंज इन मॉडिफाइड ड्यूरेशन ऑल्सो चेंज इन मॉडिफाइड ड्यूरेशन ऑल्सो सो चेंज इन मॉडिफाइड ड्यूरेशन इज़ इक्वल टू चेंज ऑफ चेंज इन मार्केट प्राइस डिवाइड बाई चेंज इन वाई टी एम ठीक है इसका मतलब इसका मतलब ध्यान देना मार्केट प्राइस के जो चेंज है इज नथिंग बट चेंज इन मॉडिफाइड ड्यूरेशन फॉर वन परसेंट चेंज इन वाई चेंज इन मॉडिफाइड ड्यूरेशन फॉर वन परसेंट चेंज इन वाई अब आप आगे देखो ये वही चीज है ये वन परसेंट चेंज इन वाई टी इज चेंज ऑफ चेंज इन मार्केट प्राइस यानी कि इसी फिगर को मैं बोल सकता हूं कि ये चेंज इन मॉडिफाइड ड्यूरेशन है बट वो फिर चेंज इन मॉडिफाइड ड्यूरेशन बन जाएगा तीन परसेंट वाई टी के लिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं फोर पॉइंट टू नाइन इंटू जीरो पॉइंट जीरो थ्री प्लस वो आंसर आता है आपका पॉइंट जीरो वन जीरो सिक्स डिवाइडेड बाई पॉइंट जीरो थ्री पॉइंट थ्री फाइव थ्री थ्री इंटू पॉइंट ज़ीरो थ्री ठीक है यह आ गया आपका चेंज इन मार्केट प्राइस फॉर वन परसेंट चेंज इन वाई टी एम अब ध्यान देना इसी चीज को मैं दूसरी तरह से लिख सकता हूँ और एक चीज़ हम करेंगे फोर पॉइंट टू नाइन इंटू ज़ीरो पॉइंट जीरो थ्री प्लस पॉइंट थ्री फाइव थ्री थ्री डिवाइडेड बाई पॉइंट जीरो थ्री इंटू पॉइंट जीरो थ्री और ये पहले वाला पॉइंट जीरो थ्री वापस लिख लिया अब देखो ये जो पॉइंट जीरो थ्री ये तो मैंने यहाँ पे लिख लिया मैंने एक और बार पॉइंट जीरो थ्री से और पॉइंट जीरो थ्री से मल्टीप्लाई किया इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कि ये जो था ये था चेंज इन मॉडिफाइड ड्यूरेशन फॉर थ्री परसेंट चेंज इन वाई टी एम तो मैंने उसमें से फिर तीन परसेंट बाहर निकाल दिया और फिर ये जो आया ये था चेंज ऑफ मॉडिफाइड ड्यूरेशन मॉडिफाइड ड्यूरेशन में कितना चेंज होगा अगर वाई टीएम एक परसेंट से चेंज हुआ तो दिस विल बी कॉल्ड एज चेंज इन मॉडिफाइड ड्यूरेशन फॉर वन परसेंट चेंज इन वाई टी एम थोड़ा डिफरेंस है ध्यान देना ये तो चेंज ऑफ चेंज इन मार्केट प्राइस था चेंज ऑफ अरे चेंज ऑफ चेंज इन मार्केट प्राइस अब यह है सिर्फ चेंज इन मॉडिफाइड ड्यूरेशन फॉर वन परसेंट चेंज इन वाई इसको लिख लो तो देखो क्या आता है अब आपका सारा आंसर आ जाएगा अब आपको दिक्कत तो नहीं है ना कि पॉइंट जीरो थ्री से डिवाइड किया और पॉइंट जीरो थ्री यहाँ पर लिख दिया तो वैसे भी कैंसिल कर सकते हो तो अल्टीमेट आंसर आपका कहीं पे भी नहीं बदलता अब देखना क्या होता है फोर पॉइंट टू नाइन इंटू पॉइंट जीरो थ्री प्लस यह आता है एलेवन पॉइंट सेवन एट इंटू पॉइंट जीरो थ्री इंटू पॉइंट जीरो थ्री ठीक है यह है आपका कॉन्वेक्सिटी वाला पार्ट अब आप अगर इसको फॉर्मूला में कन्वर्ट करना चाहो तो ध्यान देना फोर पॉइंट टू नाइन था आपका मॉडिफाइड ड्यूरेशन अच्छा हम एक चीज़ गलत करते आए हमने माइनस साइन यहाँ से छोड़ दिया ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस और ये माइनस अब ध्यान देना फाइनल फार्मूला जो है शुरुआत होगी सर माइनस साइन से क्योंकि हमें ये बताना है कि वाई जो भी चेंज होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका मार्केट प्राइस चेंज होगा तो वाई अगर तीन परसेंट से बढ़ता है तो प्लस आएगा यहाँ पे पॉइंट जीरो थ्री अगर गिरता है क्योंकि हमने ध्यान देना हमने जो यहाँ पे साइन लिया था ये एलेवन पॉइंट एट वन यानी बढ़ने वाला लिया था अगर गिरता है तो हम यहाँ पे चेंज इन वाई माइनस में लेंगे तो माइनस माइनस ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा वो बाद में तो यहाँ माइनस आना चाहिए अगर वाई गिरता है तो ध्यान देना आप अब आता है दूसरा जो 4.29 था वो क्या था सर एनुअल मॉडिफाइड ड्यूरेशन सही बोल रहा हूँ फिर मल्टीप्लाइड बाय वाई क्या था चेंज इन वाई ये जो पॉइंट जीरो थ्री था वो क्या था चेंज इन वाई तो एक फिगर आपकी ये हो गई एक पार्ट फार्मूले का प्लस 11.78 को हम बोलेंगे कॉन्वेक्सिटी और ये जो पॉइंट जीरो दिख रहा है उसको मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ चेंज ऑफ वाई का स्क्वेयर तो ये आपके दो हिस्से बन गए ये जो आंसर आता है वो ये बताता है कि मॉडिफाइड ड्यूरेशन के हिसाब से क्या आंसर आ रहा है जो कि गलत होता है एक्यूरेट नहीं होता ठीक है और उसको एक्यूरेट बनाने के लिए हम ये वाला पार्ट एडजस्ट करते हैं ये है वो ट्वेल्व पॉइंट समथिंग यह है वन पॉइंट जीरो सिक्स इतना तो समझ में आया ये कहाँ से आया अब सारा का सारा खेल आके रुकता है कि एलेवन पॉइंट सेवन एट कैसे निकाले यानी कि कॉन्वेक्सिटी अब ध्यान देना मैं आता हूँ अब कॉन्वेक्सिटी वाले पार्ट पे कॉन्वेक्सिटी का मतलब देखो क्या है कॉन्वेक्सिटी क्या है एलेवन पॉइंट सेवन एट बराबर है कॉन्वेक्सिटी हम किसको बोल रहे हैं एलेवन पॉइंट सेवन एट को और इलेवन पॉइंट सेवन एट को अभी अभी हमने क्या बोला चेंज इन मॉडिफाइड ड्यूरेशन फॉर अ परसेंटेज चेंज इन वाई टी एम चेंज इन मॉडिफाइड ड्यूरेशन फॉर अ परसेंटेज चेंज इन वाई टी एम तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि कॉन्वेक्सिटी इज नथिंग बट चेंज इन मॉडिफाइड ड्यूरेशन डिवाइडेड बाई चेंज इन वाई टी एम क्यों हमने मॉडिफाइड ड्यूरेशन को भी तो ऐसे ही लिखा था ना ऊपर में ध्यान देना ये रहा जब मॉडिफाइड ड्यूरेशन था तो उसको क्या लिखा था चेंज इन मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाई चेंज इन वाई टी एम तो चेंज इन मॉडिफाइड ड्यूरेशन डिवाइडेड बाई चेंज इन वाई टी एम अब चेंज इन मॉडिफाइड मॉडिफाइड ड्यूरेशन का फॉर्मूला क्या था अभी अभी हमने जो देखा वो और कुछ नहीं सर ये देखो ये तो चेंज एक आप वाह रख लोगे फिर मॉडिफाइड ड्यूरेशन इज नथिंग बट चेंज इन मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन टीएम मैं ऊपर वाले चेंज वो चेंज को ऊपर रख सकता हूं ये चेंज इन वाई नीचे आ जाएगा ये देखो ये आपको सही लगा क्या ध्यान देना ऊपर से ही लाया है मॉडिफाइड ड्यूरेशन का मतलब ही तो यही होता है ये पूरा पार्ट जो है वो सिर्फ मॉडिफाइड ड्यूरेशन का है। अब हम एक काम करते हैं चेंज इन वाई टी एम हम लेके आ जाते हैं नीचे में तो वो फॉर्मूला कुछ इस तरह से दिखेगा आपको चेंज ऑफ चेंज इन मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन वाई टी एम स्क्वायर स्क्वायर हो गया वो ठीक है अब हम बात करते हैं सर मार्केट प्राइस में चेंज कैसे निकालना है और ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं आपको अगर ध्यान होगा ये देखो ये फॉर्मूले ये पूरा अपना सीन चल रहा है डेरिवेशन एंड ऑल दैट उसके जस्ट पहले हमने जब तीन परसेंट लिया था तो हमने निकाला था कि मार्केट प्राइस में चेंज कैसे निकालना है तो मार्केट प्राइस में चेंज ऐसे निकालना है बट बात आती है अब देखना अब सिर्फ आप एलेवन पॉइंट एट वन परसेंट के एंगल से मत देखो ये तो मैंने शुरू किया था सिर्फ फार्मूला तक पहुंचने के लिए लेकिन अगर हमको फार्मूला प्रॉपरली डिराइव करना है तो हमें दोनों कंसिडर करना पड़ता है तो आप बताओ क्या मैं ये कंसिडर कर सकता हूँ सिर्फ नहीं क्या मैं ये सिर्फ कंसिडर कर सकता हूँ नहीं मुझे दोनों का एवरेज लेना पड़ेगा दैट विल बी द चेंज इन मार्केट प्राइस चेंज ऑफ चेंज इन मार्केट प्राइस यानी कि यह वो वन पॉइंट जीरो सिक्स परसेंट वाली हम बात कर रहे हैं ठीक है इज इक्वल टू कैसे लिखूंगा देखना सिर्फ इतना वाला पार्ट सबसे पहला तो पी वी प्लस माइनस पी वी जीरो डिवाइडेड बाय पी वी जीरो हो गया हमें एवरेज लेना है तो हम प्लस करेंगे पी वी माइनस माइनस पी वी जीरो डिवाइडेड बाय पी वी जीरो बट इनका भी हमें एवरेज ही लेना है तो डिवाइडेड बाय टू ले लिया और डिनोमिनेटर में क्या है चेंज इन वाई टी एम का स्क्वायर आप जो इतना पार्ट देख रहे हैं ना ये इतना पार्ट आया सिर्फ चेंज इन मार्केट प्राइस की वजह से न्यूमरेटर का बाकी तो चेंज इन वाई टी एम स्क्वायर डिनोमिनेटर में दोनों जगह सेम है अब आप ऊपर में अगर यहाँ पे ध्यान दोगे ध्यान देना यहाँ पे, ये दो को मैं नीचे लेके आ सकता हूँ पी वी जीरो पी वी जीरो दोनों में कॉमन है तो मैं दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर पी वी जीरो रख सकता हूँ वो भी सबसे नीचे आ जाएगा तो न्यूमरेटर में सिर्फ ये ऊपर वाली लाइन बचेगी और डिनोमिनेटर में टू इंटू पी वी जीरो इंटू चेंज इन वाइटीएम स्क्वायर देखो वो कैसे दिखेगा टू इंटू पी वी जीरो इंटू चेंज इन वाई टी एम स्क्वायर और न्यूमरेटर में ध्यान देना न्यूमरेटर में आएगा पी वी प्लस माइनस पी वी जीरो प्लस पी वी माइनस माइनस पी वी जीरो ठीक है आया समझ में ये टू आ गया यहाँ पे ये पी वी ज़ीरो भी आ गया यहाँ पे और ये चेंज इन वाई टी एम स्क्वायर भी आ गया यहाँ पे ठीक है अब आप न्यूमरेटर में भी देखना ये एक है माइनस पी वी जीरो ये एक है माइनस पी वी ज़ीरो इन दोनों को बाहर निकाल लेते हैं और फार्मूला थोड़ा छोटा हो जाएगा सो फाइनल फार्मूला जो हमारा बन रहा है वो है पी वी प्लस प्लस पी वी माइनस माइनस टू पी वी ज़ीरो क्योंकि दो पी वी ज़ीरो है डिनोमिनेटर में दो पी वी ज़ीरो इंटू चेंज इन वाई टी एम स्क्वायर ये है आपका फाइनल फार्मूला जिससे कॉन्वेक्सिटी निकलनी है वो जो एलेवन पॉइंट सेवन एट वाली फ़िगर है वो इससे निकलेगी धीरे धीरे हम ये है ये है हमारा डेरीवेसन ध्यान देना सर इससे आपकी कॉन्वेक्सिटी निकलेगी कॉन्वेक्सिटी से आपका वन एलेवन पॉइंट सेवन एट निकलेगा ये अलेवन पॉइंट सेवन एट की मदद से आपका ये वन पॉइंट ज़ीरो सिक्स निकलेगा और जो कि आप ओरिजिनल चेंज में मॉडिफाइड ड्यूरेशन वाले आंसर में एडजस्ट करोगे तो एक्चुअल या मोर एक्यूरेट आंसर आएगा आपका चेंज इन मार्केट प्राइस का तो दो फॉर्मूले हैं यहां पे जो आपको याद रखने हैं एक तो ये रहा चेंज इन मार्केट प्राइस इज इक्वल टू माइनस में चालू करोगे एनुअल मॉडिफाइड ड्यूरेशन इनटू चेंज इन वाईटीएम प्लस कॉन्वेक्सिटी इनटू चेंज इन वाईटीएम का स्क्वायर और उस कॉन्वेक्सिटी का फॉर्मूला यहां पे है पी वी प्लस प्लस पी वी माइनस माइनस टू इंटू पी वी जीरो डिवाइडेड बाई टू इंटू पी वी जीरो इंटू चेंज इन वाई टी एम स्क्वायर अब यही दो फॉर्मुले मैं आपको चार्ट्स में दिखा देता हूं थोड़ा ध्यान देना अगर आप चार्ट में आओगे कॉन्वेक्सिटी वाले पार्ट में तो आपको ध्यान में आएगा ये कॉन्वेक्सिटी वाला फॉर्मूला और ये वही है जो अभी अभी हमने डिराइव किया pv प्लस प्लस का मतलब होता है जब ytm ऊपर जा रहा है तो बॉन्ड की प्रेजेंट वैल्यू कितनी उसमें आप ऐड कर रहे हो pv माइनस जब ytm नीचे जा रहा है माइनस 2 pv0 अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो 2 pv0 है उसमें से एक pv0 इसके साथ अटैच था एक pv0 इसके साथ अटैच था डिवाइडेड बाय 2 का मतलब होता है ये एवरेज आउट करने के लिए हमने लिया था उसके बाद में ये जो पी वी जीरो है ये दोनों के डिनोमिनेटर में था तो कॉमन आ गया था इसलिए नीचे आ गया और ये चेंज इन वाई टी एम का स्क्वायर ईल्ड मतलब वाई टी एम का स्क्वायर इसी कॉन्वेक्सिटी को देखो हमने नीचे लिया और निकाला चेंज इन प्रेजेंट वैल्यू मार्केट प्राइस में कितना चेंज होगा तो हमने माइनस से शुरू करा क्यों क्योंकि जैसे भी ईल्ड चेंज हो रहा है उसका अपोजिट हमको इम्पैक्ट देना है मार्केट प्राइस पर और उसके बाद एनुअल मॉडिफाइड ड्यूरेशन इन टू चेंज इन ईल्ड ये आंसर आपको नहीं लग रहा वही चीज़ बताती है जो मॉडिफाइड ड्यूरेशन बताता है कि भैया कितना आना चाहिए आंसर लेकिन ये आंसर जो है पहला वाला पार्ट ये गलत आता है डिफरेंस आता है जब वाई में चेंज बढ़ जाता है तब ये प्रॉपर पिक्चर एक्यूरेट पिक्चर नहीं दे पाता इसलिए हम इसमें एक एडजस्टमेंट करते हैं जिसको हम कॉन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट बोलते हैं इतने पार्ट को सिर्फ आप कॉन्वेक्सिटी बोलोगे और पूरे पार्ट को जो चेंज इन टू विल्ड स्क्वेयर मल्टीप्लाई किया कॉन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट बोलोगे मैथमेटिकली अगर मैं बताऊँ आपको तो देखो अगर ये सेम टू सेम फार्मूला आप वहां पर रखोगे तो चेंज इन ईल्स के डिनोमिनेटर में यहाँ पर चेंज इन ईल्स के न्यूमरेटर में वो हटा सकते हो तो आपका अल्टीमेट फार्मूला सिर्फ यही बनेगा न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई टू इन पी न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय टू इंटू पी जीरो ध्यान में रखना मैं क्या बोल रहा हूँ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय टू इंटू पी जीरो यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ इन दोनों का एवरेज है न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय टू इन पी जीरो इन दोनों का सिर्फ और कोई फार्मूला एडलेस कुछ भी नहीं यानी कि इन दोनों का एवरेज हो गया वो 11.90 और 14.02 का एवरेज यही है आपका करके देखना करके देखना देखो 11.90 एब्सोल्यूट फिगर प्लस 14.02 डिवाइडेड बाय टू 12.96 आता है आपका अराउंड अराउंड 12.96 ये 12.96 आपका एडजस्टमेंट बन जाता है आगे जाके मतलब आपको इतना एडजस्ट करना है एक्चुअल मॉडिफाइड ड्यूरेशन में आपको धीरे धीरे समझ में आएगा चलो आगे बढ़े सर ये हो गए सर हमारे सारे के सारे क्या कहते हैं उसको फॉर्मूलास डिराइव क्वेश्चन कुछ सॉल्व करते हैं अब कॉन्वेक्सिटी के भले ही कुछ कम क्वेश्चंस कम हैं चालीस एक मिनट लग गए हमको कॉन्वेक्सिटी डिस्कस करने में और इतने ही टाइम में तो हमारे सारे कॉन्वेक्सिटी के क्वेश्चन भी हो जाएंगे बट कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी था अब आपको एग्जाम में वो कुछ भी पूछे आप इजीली सॉल्व कर पाओगे बिकॉज आपको पता चल गया कि यार ये जो वॉलेटिलिटी वाला कॉन्सेप्ट था इसमें प्रॉब्लम क्या थी और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है कॉन्वेक्सिटी मतलब थोड़ा अपने गोल के और एक्यूरेट आंसर के थोड़ा नज़दीक पहुँचाता है काफ़ी नज़दीक पहुँचाता है कॉन्वेक्सिटी मैं फिर बता रहा हूँ ये भी अप्रॉक्सिमेट आंसर ही देता है लेकिन काफ़ी एरर कम हो जाता है इसमें तो एरर ही एरर आता है अगर आप चेंज इन वाई बढ़ा दोगे तो वोलेटिलिटी में ठीक है सर कुछ क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मूव ऑन करेंगे आइए देखो क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सिक्स था लास्ट वाला क्वेश्चन जो हमने छोड़ा था क्योंकि कॉन्वेक्सिटी वाला टॉपिक आ गया तो हमने सोचा कि पहले कॉन्वेक्सिटी वाला थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं उसके बाद इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे लेकिन फिर से क्वेश्चन की सेवेंटी सिक्स की शुरुआत करता हूँ लेकिन क्वेश्चन सेवेंटी से लेकर क्वेश्चन एट तक सेवनटी नाइन नहीं सॉरी 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 एटी नाइन तक यानी कि तकरीबन चौदह क्वेश्चन है बहुत फास्ट हम कवर करने वाले हैं क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी ठीक है आओ सर तीन चीज़ें जो तीन चार चीज़ें जो बार बार रिपीट होने वाली है वो है मार्केट प्राइस कैसे निकालते हैं ड्यूरेशन कैसे निकालते हैं वॉलेटिलिटी कैसे निकालते हैं कॉन्वेक्सिटी का ये वाला क्वेश्चन है और आखिरी आखिरी के तीन चार क्वेश्चन है वो भी ईजी है इतना डिफिकल्ट नहीं है तो यही सब चीज़ें रिपीट होने वाली है दैट्स वाई वी आर गोइंग टू थोड़ा सा मूव फास्ट अभी एक क्वेश्चन तक पहुँचना है आपको डेटा दिया हुआ है फेस वैल्यू आप देख रहे हो दस हज़ार है टू बी रिडीम डेट पार ऑन मेचोरिटी कूपन रेट है साढ़े का तो साढ़े का आपको एट का आपको हर बार इंटरेस्ट मिलेगा पाँच साल के मेच्योरिटी है मेचोरिटी का यी टू मेच्योरिटी जो है वो दस परसेंट का तो मार्केट प्राइस निकालना इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है इंटरेस्ट एट फिफ्टी का अवेलेबल है आइनोटी फैक्टर के लिए आप ये दस परसेंट का रेट इस्तेमाल कर सकते हो और रिडम्पशन एट पार है मार्केट प्राइस आपकी निकल जाएगी ड्यूरेशन के तीन डिफरेंट फॉर्मूले हैं ड्यूरेशन भी आपका निकल जाएगा प्रैक्टिस करके देखो सर अब कुछ भी नया नहीं है कैलकुलेशन ही है सिर्फ वोलेटिलिटी कैसे निकालते हैं जो ड्यूरेशन सेकंड वाले में आंसर आया डिवाइडेड बाय वन प्लस वाई टी एम करोगे तो वोलेटिलिटी आ जाएगा अब ये वोलेटिलिटी वही वाला कॉन्सेप्ट है जिससे जो आंसर आता है वो एक्यूरेट नहीं रहता अगर आप वाई में डिफरेंस जो चेंज है वो बढ़ा दो तो यानी तीन तीन चार चार पाँच पाँच परसेंट से अगर वाई बदलता है तो वो आपको सही आंसर नहीं देता चौथा पार्ट है आपका कॉन्वेक्सिटी निकालने का देखो इन्होंने बोला ज़रूर है कॉन्वेक्सिटी लेकिन आंसर में जो निकाला वो है कॉन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना यहीं पर चार्ट में आता हूँ ये कॉन्वेक्सिटी के फॉर्मूले को देखो कॉन्वेक्सिटी का ये वाला फॉर्मूला है और चेंज इन मार्केट प्राइस का ये वाला फार्मूला नीचे वाला जिसमें एनुअल मॉडिफाइड ड्यूरेशन इंटू चेंज इन ईल्ड आता है माइनस एनुअल मॉडिफाइड ड्यूरेशन इन्टू चेंज इन ईल्ड और ये जो प्लस के बाद वाला सारा पार्ट है यानी कॉन्वेक्सिटी जब चेंज इन ईल्ड के स्क्वेयर से मल्टीप्लाई होती है तो उस पूरे पार्ट को यहाँ से प्लस के बाद के सारे पार्ट को कॉन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट कहते हैं तो क्वेश्चन ने पूछा कॉन्वेक्सिटी है लेकिन निकाला एडजस्टमेंट है यानी कॉन्वेक्सिटी निकालने के बाद उन्होंने चेंज इन नील के स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी किया है अब यहाँ पे मैं कुछ भी अज्यूम करके चल सकता हूँ कि शायद उन्होंने पूछा ही वो हो कॉन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट तो आप क्वेश्चन बदल सकते हो लेकिन एग्जाम में ऐसा कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते एग्जाम में तो क्वेश्चन बदल नहीं सकते हम तो एग्जाम में कॉन्वेक्सिटी सिर्फ पूछा जाए तो दोनों आंसर निकाल के आ जाना मैं तो कहता हूँ क्योंकि पहले आंसर कॉन्वेक्सिटी आएगा उसके बाद कॉन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट आएगा ठीक है तो कॉन्वेक्सिटी कैसे निकालना है सर कॉन्वेक्सिटी का फॉर्मूला आप थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था अभी अभी ठीक है आपको चाहिए पी वी वेन द ईल्ड इज इंक्रीजिंग प्लस प्लस पी वी माइनस वेन द ईल्ड इज डिक्रीजिंग जब ईल्ड गिरता है तब और माइनस टू इंटू पी वी जीरो करंट पी वी जीरो कहां से आएगा पता है ये जो करंट मार्केट प्राइस आपने निकाली है ये पीवी जीरो मार्केट प्राइस आ रही है डिवाइडेड बाई टू पी वी जीरो इन टू चेंज इन वाई टी एम या ठीक है? तो क्वेश्चन ने आपको ये निकालने बोल दिया लेकिन ईल्ड में चेंज कितना हो रहा है वो नहीं बताया बट एक हिंट जरूर दिया आगे यहां पे 10 परसेंट से प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है यहां पे 8 परसेंट से प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है यानी यहाँ पे इन्होंने जो गिराया है वाई या ईड वो 2 परसेंट से गिराया है लेकिन हमको सिर्फ पी माइनस नहीं चाहिए हमें पी प्लस भी चाहिए यानी कि जब वाई बढ़ता है तो बढ़ाओगे तो आप कितना लोगे बारह और कोई आंसर आपका होना ही नहीं चाहिए भले ही क्वेश्चन में नहीं दिया है लेकिन आपको जो अज्यूम करना है रेट वो है बारह जो चेंज इन नील्ड है वो सेम रहना चाहिए अगर घेरा दो परसेंट से तो बढ़ाना भी दो परसेंट से ही है ठीक है तो पहले हम कॉन्वेक्सिटी निकालते हैं क्या करना पड़ेगा कुछ भी नहीं सर आठ परसेंट से वापस पहले वाले का आंसर निकालो बारह परसेंट से भी आंसर निकालो ठीक है तो अब आपके सारा डेटा आ गया जो बारह परसेंट से आया वो पी वी प्लस जो आठ परसेंट से आया वो पी वी माइनस पी वी जीरो आपका ऑलरेडी स्टार्टिंग में आ चुका था इंटू पीवी जीरो स्टार्टिंग में आ चुका था चेंज इन कितना है 2, 2 है ना तो कैसे लिखोगे सर उसको पॉइंट जीरो याद रखना तो इससे कॉन्वेक्सिटी आ गई कॉन्वेक्सिटी को मल्टीप्लाइड बाय वापस चेंज इन ईल्ड स्क्वायर कर दो तो आपका कॉन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट आ जाएगा आगे देखो ये रहा मार्केट प्राइस ड्यूरेशन वोलाटिलिटी या कॉन्वेक्सिटी ठीक है अब ध्यान देना इन्होंने भले ही ये वी प्लस वी माइनस यूज़ किया उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपको कॉन्सेप्ट अगर समझ में आया तो पी लो एम लो या वी लो बात सरी की है सेम पढ़ना चाहिए दूसरी गलत चीज़ जो इन्होंने करी है वो मैं बताता हूँ आपको ये जो इन्होंने टेबल फॉर्मेट में निकाला है बिल्कुल टेबल फॉर्मेट यूज़ मत करना है ऐसे टाइम पे कॉन्वेक्स कॉन्वेक्सिटी निकालते टाइम पे क्या ज़रूरत है कितना टाइम वेस्ट होता है इसमें आप सीधा सीधा फॉर्मूला लिखो ना इंटरेस्ट इंटू प्रेजेंट वैल्यू एनिटी फैक्टर प्लस रिडमशन वैल्यू इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फटाफट आंसर निकल सकता है तो ये बार बार साढ़े चार बार लिखने का कोई मतलब ही नहीं बनता फिर इसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाल के लिखो फिर मल्टीप्लाई करो फिर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालो फिर मल्टीप्लाई करो फिर टोटल वोटल भी करते बैठो बहुत टाइम जाएगा आपका इसमें आप अंडर एस्टिमेट मत करो एग्ज़ाम में जो टाइम मिलने वाला है उसको अंडर एस्टिमेट मत करो सर ने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया मैंने भी बहुत अच्छे से पढ़ लिया था मेरे को तो सब आता था बहुत अच्छी प्रैक्टिस करी थी लेकिन मैं साठ ही मार्क का सॉल्व करके आया क्या मतलब निकलेगा उसके बाद में तीन घंटे बाद जब पेपर देने के बाद जब बाहर निकलोगे तो कोई किसी को भी आप एक्सक्यूज़ या ब्लेम नहीं कर सकते ना खुद को ना टीचर्स को ना माँ बाप को ना दुनिया को ना भगवान को तो प्रैक्टिस कर लो पहले से टाइम मैनेजमेंट एक चीज़ है जो कि सिलेबस में इंक्लूड नहीं की जाती बट वो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमें सीखना ज़रूरी होता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ठीक है सर तो क्या करना है बस वो वाला फॉलो करो डोंट फॉलो टेबल फॉर्मैट लिख दिया आप देखो क्या होता है इतना तो समझ में आना चाहिए उसके बाद कॉन्वेक्सिटी में रखा तो 9.876 आ गया उस 9.876 को पॉइंट जीरो टू स्क्वेयर से मल्टीप्लाई कर दिया तो डेसिमल में आपका परसेंटेज आ गया उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया ये पॉइंट थ्री नाइन फाइव क्या है पता है जो मार्केट प्राइस में चेंज बोलता है ना मॉडिफाइड ड्यूरेशन उसमें भी कितना चेंज करना है सो मैं एक बार और यहाँ पर लिख देता हूँ ध्यान देना परसेंटेज चेंज इन मार्केट प्राइस इज इक्वल टू माइनस एन्यूअल मॉडिफाइड ड्यूरेशन इन टू चेंज इन ईल्ड इतना पार्ट बोलता है कि मार्केट प्राइस में कितना चेंज होना चाहिए बट ये गलत आता है इनएक्यूरेट आता है गलत तो नहीं बोल सकते इनएक्यूरेट आता है इसलिए उसमें जो एडजस्टमेंट करना पड़ता है उसको बोलते हैं कॉन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट और वो आया है आपका पॉइंट थ्री नाइन फाइव परसेंट ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं है अब देखो बाद वाला पार्ट भी बहुत आसान है अब आपको फिर से मार्केट प्राइस निकालना है लेकिन वो बोलता है कि डिक्रीज हो रही है वाई टी एम दो सौ बेसिस पॉइंट से मार्केट वाई टी एम अगर गिरा तो मार्केट प्राइस बढ़ना चाहिए ये तो क्लियर समझ में आता है आपको और मैकोलेस ड्यूरेशन एस्टिमेट से और एंट्रेंसिक वैल्यू मेथड से आपको निकालना है यानी कि ये चीज हम हम करते आ रहे थे पता है तभी तो हमको पता चला कि ये मैकोलेस ड्यूरेशन यानी कि वोलाडिलिटी ये मॉडिफाइड ड्यूरेशन बोलो वोलाटिलिटी बोलो ये सब इन आंसर देता है क्योंकि एक्यूरेट आंसर इंटरनसिक वैल्यू से आता है और इंट्रेंसिक वैल्यू मेथड यानी कि ये वाली मेथड सॉरी जो आपने पहले पार्ट में यूज करी थी तो इंटरेंसिक वैल्यू मेथड से निकालोगे तो क्या करना है सर दस दस परसेंट तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ वाई टी एम दो सौ बेसिस पॉइंट कम कर दो आठ परसेंट से वापस ये फॉर्मूला लिख के निकालो इंटरेस्ट इंटू एनुटी फैक्टर प्लस रिडम्शन वैल्यू इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाल लोगे कोई दिक्कत नहीं है और मैकोलिस ड्यूरेशन से कैसे निकालते हो सर दो परसेंट से वाई टी एम गिर रहा है ना तो जो भी आपका ड्यूरेशन मॉडिफाइड ड्यूरेशन आया है उसको दो से मल्टीप्लाई करो उतने से मार्केट प्राइस बढ़ानी चाहिए क्योंकि वाई टी एम गिर रहा है देखो 3.865 आपका मॉडिफाइड ड्यूरेशन आया था यानी कि मार्केट प्राइस में चेंज होगा इतना अगर वाई टी एम एक परसेंट से बदलेगा तो वाई टी एम दो से बदला तो दो से मल्टीप्लाई कर दिया और ये ओरिजिनल मार्केट प्राइस तो हमें पता चला कि सात सौ उन्तीस रुपये से मार्केट प्राइस बढ़नी चाहिए क्यों बढ़नी चाहिए क्योंकि वाई टी एम गिर रहा है यहाँ साइड में लिखना कभी भी वाई टी एम गिरा तो मार्केट प्राइस बढ़ेगी तो प्लस ही तो करोगे ना तो बढ़ा ली लेकिन मैं यही बोल रहा हूँ यही वो मेथड है वो वाला या मॉडिफाइड ड्यूरेशन वाला जो आपको इनएक्यूरेट आंसर देता है अभी आपको एक्यूरेट आंसर चाहिए तो ये रहा है इंट्रेंसिक वैल्यू मेथड से ये आपने इंट्रेंसिक वैल्यू मेथड्स से निकाला और आंसर कितना आ रहा है दस हज़ार दो सौ चार ये क्या करा इनने यहाँ पे पूरा आंसर निकालना है ये जो इन्होंने सिर्फ चेंज लिखा है यहाँ पर ऐसे थोड़ी लिखते हैं आठ परसेंट से दस हज़ार दो सौ चार आया कहाँ लिखा कहीं कैलकुलेट तो करना चाहिए अच्छा सॉरी कराए सॉरी सॉरी मेरी गलती ये रहा दस हज़ार दो सौ चार ये तो इसी में निकल गया था आठ परसेंट से कॉन्वेक्सिटी वाले क्वेश्चन में ही तो वही उठा के आपको यहाँ पे रखना है ठीक है तो ये एक्यूरेट आंसर है अब हम क्या बोलते हैं कि कॉन्वेक्सिटी अगर एडजस्ट कर देते हो तो उससे दस हज़ार दो सौ चार तो नहीं आएगा लेकिन उसके बहुत नज़दीक आ जाएगा अभी आप देखोगे तो दो सौ चार और एक सौ साठ में चालीस पैंतालीस रुपये का डिफरेंस है इतना डिफरेंस नहीं आएगा मैं करके दिखाऊं क्वेश्चन से हट के सवाल है ये जो मैं अभी बता रहा हूँ मैं करके दिखाता हूँ आपको तो पहले तो हमने जो पिछले वाले क्वेश्चन में लिया वो ठीक करो मतलब पॉइंट थ्री नाइन फाइव का एडजस्टमेंट इसमें होना तो हम ये भी ले, ले लेते हैं माइनस मॉडिफाइड ड्यूरेशन कितना आया था हमारा एनुअल मॉडिफाइड ड्यूरेशन थ्री पॉइंट एट सिक्स फाइव बराबर तो हमने ले लिया थ्री पॉइंट एट सिक्स फाइव इंटू चेंज इन ईल्ड पॉइंट जीरो टू बट ध्यान देना ईल्ड गिरी है वाई टी एम गिरा है तो माइनस लेना पड़ेगा आपको यहाँ पर और ये प्लस माइनस लोगे देखो वो माइनस और ये माइनस तो निगेट हो जाएगा हट जाएगा तो आंसर जो बचेगा वो आता है थ्री पॉइंट एट सिक्स फाइव इंटू पॉइंट ज़ीरो टू तो ये आता है पॉइंट ज़ीरो सेवन सेवन थ्री प्लस पॉइंट थ्री अच्छा इसको भी तो डेसिमल में लिखना पड़ेगा ना मालिक पॉइंट ज़ीरो जीरो थ्री नाइन फाइव करो टोटल यह आता है पॉइंट एट पॉइंट वन टू फाइव परसेंट अगर परसेंट में लिखना है तो अब ये क्या है इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको और एक्यूरेट आंसर चाहिए तो सेवन पॉइंट सेवन थ्री तो आपको मॉडिफाइड ड्यूरेशन बता रहा था कि चेंज करो लेकिन एक्चुअल में एट पॉइंट वन टू फाइव होना चाहिए उसमें हमने पॉइंट थ्री नाइन फाइव परसेंट ऐड कर दिया तो एट पॉइंट वन टू फाइव से आप अपनी बेसिक प्राइस ये जो आई थी इसको बढ़ा दो देखो प्लस करो 8.125 परसेंट करो कैलकुलेटर पे पता चलेगा 9431.5 प्लस 8.125 परसेंट तो आंसर आता है दस वन नाइन्टी एट ठीक है मैं इधर लिख लेता हूँ क्या आंसर आया सर टेन थाउजेंड वन नाइन्टी एट बताओ कितने का डिफरेंस है सिर्फ छः रुपये का और इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस था तकरीबन फोटी फोर रुपीज़ के आसपास डिफरेंस था तो इस एक कॉन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट से आपका जो एरर फोर्टी फोर रुपीज़ का आ रहा था वो अब छः रुपये पे आके रुक गया तो कम हो गया ना मैंने तो यही बोला था एक्यूरेट नहीं आएगा लेकिन बहुत कम हो जाएगा आपका ठीक है सर अब अगला क्वेश्चन देखो अगला क्वेश्चन आप कर रहे हो होमवर्क क्यों कर रहे हो देखो कुछ भी नहीं है सब कुछ डिटेल दिए मार्केट प्राइस निकालने बोला है ड्यूरेशन निकालने बोला है वही सेम मेथड इंटरेस्ट इनटू प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर बोले रिडम्पन वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ड्यूरेशन के तीन मेथड होते हैं जो मेथड से निकालने निकाल लो फिर वही ड्यूरेशन से आपको क्या निकालना है सर मॉडिफाइड ड्यूरेशन निकालना है यानी कि वॉलेटिलिटी और फिर बोलता है कि अगर ईल्ड इंक्रीज़ हो रही है थर्टी बेसिस पॉइंट पॉइंट तो वॉट वुड बी द प्राइस ऑफ द बॉन्ड आप सिंपल क्या करो सर मॉडिफाइड ड्यूरेशन को पॉइंट से मल्टीप्लाई कर दो तो उतना मार्केट प्राइस गिरेगी क्यों क्योंकि ईल्ड इंक्रीज हुई है तो मार्केट प्राइस उतने से गिरेगी ठीक है अब ध्यान देना इन्होंने क्या किया यह भी मैं बताता हूं ड्यूरेशन तक तो ठीक था तीसरा पॉइंट ध्यान दो तीसरे पॉइंट में जब प्राइस निकालने की बारी आई तो उन्होंने आठ परसेंट को साढ़े आठ परसेंट कर दिया एट पॉइंट थ्री फाइव कर दिया और पूरा कैलकुलेशन वापस किया पहली गलती इन्होंने टेबल फॉर्मेट यूज़ करा गलत है टाइम बहुत जाता है दूसरी गलती वापस इंटरेस्ट इन टू प्रेजेंट वैल्यू एन फैक्टर मत करो आप वोलाटिलिटी वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करो ना सर वोलाटिलिटी से तो इनएक्यूरेट आंसर आता है आपने अभी अभी बोला यस yes, लेकिन एक चीज़ ध्यान दो इनएक्यूरेट आंसर तभी आता है जब चेंज इन ईल्ड ज़्यादा होता है इस क्वेश्चन में तो पॉइंट थ्री फाइव परसेंट है एक परसेंट भी नहीं है तो नहीं आएगा एरर और ये भी मैं बताता हूँ ध्यान देना इन्होंने आ... एक काम करो हम कैलकुलेट कर लेते हैं ठीक है देखो कितना परसेंट था आठ परसेंट ये ड्यूरेशन आया मैं वोलाटिलिटी निकाल देता हूँ वोलाटिलिटी इज़ नथिंग बट ड्यूरेशन डिवाइडेड बाय वन प्लस वाई टी एम सो फाइव पॉइंट सेवन थ्री इंटू डिवाइडेड बाय वन पॉइंट वन वो आता है फाइव पॉइंट टू वन परसेंट अब ये मार्केट प्राइस गिरेगी इतने से अगर एक परसेंट से वाई टी एम बढ़ा लेकिन हमारा वाई टी एम तो सिर्फ पॉइंट थ्री फाइव से बढ़ा तो पॉइंट थ्री फाइव से मल्टीप्लाई कर दो तो मार्केट प्राइस वन पॉइंट एट टू थ्री परसेंट से गिरनी चाहिए ठीक है है कितनी मार्केट प्राइस नाइन फोर्टी एट पॉइंट फाइव सिक्स इसमें से एक काम करो वन पॉइंट एट टू थ्री परसेंट गिरा दो देखो कितनी आती है तो आंसर कितना आया 931.27 अब आप बताओ कितना डिफरेंस है 930 और 931.27 में एक रुपए का एक रुपए का तो एरर है ना कम है बिल्कुल कम है इतना तो चलता है चालीस रुपए पचास रुपए दो सौ तो फर्क पड़ता है ठीक है सर ये दूसरा तरीका जो इन्होंने बोला ये फॉलो करो ना यहाँ तो नाइन थर्टी ही आ रहा है मैंने कुछ गलत लिया क्या हाँ मैंने गलत लिया है और आंसर सही आ जाएगा मैंने गलत लिया ना सर आठ परसेंट लेना था मैंने दस परसेंट ले लिया अरे अरे रे, रे तभी तो थोड़ा तो गलत ही आ गया ये सब हटाओ सब हटाओ एक्सट्रीमली सॉरी फॉर माई मिस्टेक होती है यार इंसान है, इंसान है इंसान है इंसानों से गलती होती है वन पॉइंट ज़ीरो एट लेना चाहिए था आपने अब तो और कम हो जाएगा एक रुपये का भी नहीं आएगा यार फाइव पॉइंट थ्री वन मल्टीप्लाइड बाई पॉइंट थ्री फाइव करा तो आ रहा है वन पॉइंट परसेंट लेस कर दो 1.857 परसेंट करो लेस एक बार देखो नाइन फोर्टी एट पॉइंट परसेंट कितना आ रहा है सर 930.95 ये तो आ रहा है ये रहा कितना डिफरेंस है 50 पैसे 60 पैसे है ना ये सही है यही फॉलो करो टेबल फॉर्मेट में फालतू तो में टाइम जाएगा सोचना दिमाग लगाना पड़ता है ऐसा थोड़ी है अब देखो इस क्वेश्चन में भी कुछ भी नया नहीं है इन्होंने सिर्फ ड्यूरेशन निकालने बोला है शॉर्टकट मेथड से और 10 साल दे दिए टेबल फॉर्मेट से निकालोगे तो देखो बहुत टाइम लगेगा सर खैर इसमें तो दोनों पूछा है इसने बोला है कि आप ड्यूरेशन निकालो और उसके बाद ऑल्सो शॉर्टकट मेथड से भी निकालो जब दूसरे इसमें शॉर्टकट मेथड पूछ लिया तो पहले इसमें तो लॉन्ग कट मेथड जाना ही पड़ेगा तो टेबल निकाला ड्यूरेशन के तीन मेथड थे हमारी समेन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू इंटू ईयर डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू एक था समेन ऑफ वेट इन ईयर और एक था अपना लंबा वाला फॉर्मूला इन्होंने ये वाला यूज़ करा है कोई दिक्कत तो नहीं है प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट दिस डिवाइडेड बाय दिस करोगे तो आंसर आ जाएगा और ये फार्मूला वाला फिगर रखो बस आगे बढ़ो मैं आगे बढ़ रहा हूँ हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है इसमें थोड़ा ध्यान देंगे सर सेवेंटी नाइन पर थोड़ा सा देखो एक इन्वेस्टर है ध्यान देना मैं आपको स्टोरी समझाता हूँ पूरी की पूरी एक इन्वेस्टर है जिसने काफ़ी सारे बॉन्ड खरीद लिए थे कौन से बॉन्ड खरीदे थे सात साल वाले सिक्स पॉइंट सेवन फाइव परसेंट ये है कूपन रेट यह है फेस वैल्यू और यह है आपका रिडम्पशन वन ज़ीरो फाइव ज़ीरो ध्यान देना सात साल वाले बॉन्ड खरीदे थे सिक्स पॉइंट सेवन फाइव का कूपन था यानी कि तकरीबन सिक्सटी सेवन रुपीज़ फिफ्टी पैसा आपको हर साल इंटरेस्ट के रूप में मिलेगा और जब सात साल कंप्लीट हो जाएंगे तो पाँच परसेंट प्रीमियम पे वो मेच्योर होगा यानी कि हज़ार रुपये पे पाँच परसेंट एक हज़ार पचास रुपये पे वो मेच्योर हो जाएगा डिस्काउंटिंग करनी है तो नौ परसेंट का रेट ले लो सात सालों के लिए यहां पे उन्होंने दिया है यही लेना इसकी टोटल कर लेना कभी भी यहां पे पहले ही लिख लो प्रेजेंट वैल्यू आइनिटी फैक्टर कितनी आती है ठीक है हाउ एवर ड्यू टू फाइनेंशियल क्रंच अभी उसने ले तो लिया बहुत सारे ताव ताव में पैसे पड़े थे तो ऐसी गलती मैंने भी करी थी एक बार बट बाद में जब पैसों की जरूरत पड़ती है तो पैसे नहीं होते हमारे पास में तो अब वो बोल रहा है कि यार कुछ तो बॉन्ड मैं बेच दूँ इसमें से मैंने इतने सारे ले लिए कुछ बॉन्ड में इसमें से बेच देता हूँ और एक इन्वेस्टर मिला भी है मुझे बायर एक बायर मिला है और वो खरीदने रेडी है वो बोलता कि मैं एट नाइन्टी सेवन रुपीज पर बॉन्ड में खरीद लूंगा ध्यान देना एट नाइन्टी सेवन पर बॉन्ड में मैं खरीद लूंगा तो आगे इन्वेस्टर फॉलो करता है इंट्रेंसिक वैल्यू मेथड बॉन्ड्स की वैल्यूएशन के लिए तो सबसे पहली चीज़ जो उन्होंने पूछी है वो है मार्केट प्राइस निकालो मार्केट प्राइस ड्यूरेशन वोलेटिलिटी तीनों कॉन्सेप्ट एक दूसरे से रिलेटेड है नौ परसेंट ले लो और फटाफट निकालते जाओ कुछ भी नया नहीं है इसमें तो आपको नौ परसेंट जब आप मार्केट प्राइस निकालने गए तो आपको पता चला यार नौ आती है इसका मतलब अगर कोई भी बंदा नौ का पेमेंट करता है तो उसकी अर्निंग इस पूरे बॉन्ड में नौ की होगी ये उसकी आई बोल सकते हो आप रिटर्न बोल सकते हो उसका थीके? लेकिन अगर हमारा बायर 897 में खरीदने के लिए रेडी है उससे ज्यादा देने को रेडी नहीं है यानी कि वो और सस्ता खरीदना चाहता है अगर वो और सस्ता खरीदना चाहता है तो उसका आईआरआर और ज्यादा होगा मार्केट प्राइस गिरेगी तो वाई बढ़ेगा ना मालिक यानी कि वो एट से भी नाइन से भी ज्यादा कमा रहा है ये तो कन्फर्म हो गया अगर वो 897 पे खरीदता है तो ठीक है चलो वो हम बाद में बात करेंगे अब हम ड्यूरेशन निकाल लेते हैं ड्यूरेशन हमने इस मेथड से निकाली ये वाली मेथड थी समेशन ऑफ वेट इन टू ईयर्स वेट किसका लिया सर प्रेजेंट वैल्यू का वेट लिया ये जो ये जो प्रेजेंट वैल्यू है ना इसका हमने वेट लिया और ईयर से मल्टीप्लाई कर दिया हमारा आ गया आप ये वाले मेथड से भी निकाल सकते हो अल्टरनेटिव तो इन्होंने सारी मेथड्स दिए आपको जो मेथड यूज़ करना है करो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट सिर्फ देख के आगे मत बढ़ जाना मेरा तो काम है फास्ट ट्रैक बैच में कि रिपीटेटिव चीज़ों को मैं आगे बढ़ाऊँ बट आप भी अगर ऐसा करोगे तो आप भी अटैम्प्ट भी आगे बढ़ता जाएगा तो थोड़ा सा ध्यान रखना इस बात का बाकी तो आपकी मर्जी फिर उन्होंने पूछा वोलाटिलिटी तो एक चीज़ ये ठीक कर लो बुक में थोड़ा सा प्रिंटिंग में मिस्टेक है या क्वेश्चन में मैं देखूंगा यहाँ पे उन्होंने वोलाटिलिटी निकाला ही नहीं है तो मैं वोलाटिलिटी लिख लेता हूँ इज इक्वल टू ड्यूरेशन बाय वन प्लस वाई टी एम ध्यान देना ड्यूरेशन आया था फाइव पॉइंट सेवन टू का वन प्लस वाई टी एम नौ परसेंट का है और ये आपका आंसर आ जाएगा तो ये एक चीज़ ठीक कर लो फाइव पॉइंट टू फाइव या टू फोर या टू फाइव ही ले लो सही है टू फाइव आता है आपका वोलाटिलिटी ठीक है तीनों चीज़ें आपने निकाल ली अब आती है बारी रिक्वायर्ड वाई टी एम ऑफ द न्यू इन्वेस्टर यही तो वो चीज पूछ रहे हैं ये 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 कितना है अगर उसने 897 पे खरीदा तो वो कितना कमा रहा है एक तरह से वो आईआरआर निकालने बोल रहे हैं और के लिए हमें ऐसा रेट चाहिए जिसकी प्रेजेंट वैल्यू 897 आती है अब हमें ट्रायल एंड एरर करके देखना पड़ेगा बहुत सिंपल सी बात है सर एक तो परसेंट हमने हमारे पास ऑलरेडी है नौ परसेंट नौ परसेंट पर नौ सौ चौदह प्रजेंट वैल्यू आती है हमें प्रेजेंट वैल्यू और गिरानी है तो वाई टी एम और बढ़ाना पड़ेगा नौ और आप देख सकते हो नोटिस करना एट नाइन्टी सेवन और नाइन हंड्रेड एंड फोटीन में खाली सत्रह रुपये का फ़र्क है अगर सत्रह ही रुपये कम करना है तो बहुत कम रुपये हैं जो कम करना है तो बहुत कम रेट बढ़ाओ तो नेक्स्ट रेट जो होगा वो हम दस परसेंट ले लेते हैं हम देखते हैं कि दस परसेंट पर प्रेजेंट वैल्यू कितनी आती है ठीक है अब थोड़ा सा मैं ये आंसर इधर ले लेता तो। हूँ थोड़ा तो कभी कभी करना पड़ता है सर क्वेश्चन 79। नाइन मार्केट प्राइस है टेन परसेंट ध्यान देना फॉर्मूला वही है इंटरेस्ट इनटू प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर प्लस रिडम्शन वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इंटरेस्ट है सिक्सटी सेवन रुपीज फिफ्टी पैसा और रिडम्पशन ध्यान रखना प्रीमियम पे हो रहा है बहुत सारे बच्चे गलती करते थे हजार ही रख देते हैं यहाँ पर तो अब आप 10 परसेंट से सात साल का ले लो एक दो तीन चार पाँच छ सात पॉइंट फाइव वन थ्री और ये हो गया फोर पॉइंट एट सिक्स एट करो थ्री ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव नाइन प्लस 538.65 थर्टी यह आता है 867.24 ध्यान देना अब मैं लिख रहा हूँ 9% परसेंट पे आंसर आता है नौ सौ चौदह रुपये और 10% परसेंट पर आंसर आता है 867.24 हमें कितना चाहिए सर 897 क्या आएगा इंटरपोलेशन करना ऐसा तो हम कई कई सारे क्वेश्चन देख चुके हैं ना ध्यान देना नौ परसेंट से शुरुआत होगी एक परसेंट अगर मैंने रेट बढ़ाया तो मार्केट प्राइस कितने से गिरी फोर्टी सिक्स रुपीज सेवन पैसे से तो कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा सिर्फ सत्रह रुपए मार्केट प्राइस गिराने के लिए नाइन फोर्टीन से एट सेवन पे आने के लिए बहुत सिंपल वन परसेंट डिवाइडेड बाय दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस नौ परसेंट से शुरुआत करो प्लस आगे जा रहे हो नौ का दस हो रहा है तो प्लस लगाओगे नौ का आठ हो रहा रहता तो माइनस लगाते यहां पे वन परसेंट न्यूमरेटर में रखो और बोलो कि देखो मैंने इतना रेट बढ़ाया इतना रेट बढ़ाया तो जितनी प्राइस कम हुई है वो उसी के नीचे लिखो मल्टीपैड बाय जितनी कम करनी है वो उसके बाजू में लिख दो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा इसको बोलते हैं इंटरपोलेशन करना या आता है नाइन पॉइंट थ्री सिक्स परसेंट ये इतना परसेंट कमा रहा है वो बंदा जो एट नाइन्टी सेवन पर ख़रीद रहा है थोड़ा कम में ख़रीदेगा तो थोड़ा ज़्यादा रिटर्न पाएगा सस्ती चीज़ में ज़्यादा रिटर्न होता है ये देखो हमारा नाइन पॉइंट इनका नाइन पॉइंट थ्री नाइन आ रहा है हमारा नाइन पॉइंट थ्री सिक्स आ रहा है मैं बता रहा हूँ हमारा आंसर और ज्यादा एक्यूरेट है क्यों एक्यूरेट है जितना ज़्यादा आपका ध्यान देना ये जो दो रेट आप अज्यूम करते हो इनमें जितना ज़्यादा डिफरेंस होता है उतना ही एरर आंसर आता है मतलब उतना ही आंसर थोड़ा एररफुल होता जाता है एररफुल बोलते हैं जो भी बोलते होंगे उतना आंसर थोड़ा सा दूर जाता जाता है एक्यूरेट से हमारे इसमें गैप सिर्फ एक ही परसेंट का था तो ज़्यादा एक्यूरेट आया इनके इसमें जो गैप था वो नौ से सीधा बारह परसेंट का था तो तीन परसेंट का गैप था तो एरर भी ज़्यादा आएगा आया ये देखो इंटरपोलेशन ही इस्तेमाल करा है इन लोगों ने भी आगे बढ़े कोई दिक्कत है इसमें कितना रिटर्न कमाया ये हमने उनको बता दिया अच्छा एक और क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ द बॉन्ड एंड वाई क्वेश्चन अब आ रहा है हम पहले सीख चुके हैं क्या है सर रिलेशनशिप इनवर्स आप बोलो अपोजिट वाई बढ़ता है तो मार्केट प्राइस वाई गिरता है तो मार्केट प्राइस बढ़ती है और वाई बढ़ता है तो मार्केट प्राइस गिरती है ठीक है यह हो गया क्वेश्चन सेवेंटी नाइन क्वेश्चन एट्टी आपके लिए होमवर्क है थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा बट नई चीज़ नहीं है कुछ भी सीखने के लिए फिर वो वापस वापस वही वो आता है ना तो मेरे को बोर होता है ये पाँच परसेंट पर एन भी निकालो चार परसेंट पर निकालो फिर इंटरपोलेशन इस्तेमाल करो आगे बढ़ा रो क्वेश्चन नंबर एटी वन देखो इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा सिर्फ एक ही डिफरेंस है पता है क्वेश्चन नंबर एटी वन लेने की एक ही वजह है इस क्वेश्चन में हाफ ईयरली कैलकुलेशन है अभी तक तो आप एनुअल कूपन देख रहे थे एनुअल ड्यूरेशन देख रहे थे हाफ ईयरली कूपन में ड्यूरेशन कैसे निकालते हैं क्वेश्चन नंबर एटी वन एक्सेल इस्पात हैज मेड एन इश्यू ऑफ फोर्टीन परसेंट नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर तो सबसे पहले तो 14 परसेंट क्या हो गया कूपन रेट इसके बारे में मैं आपसे बाद में बात करूंगा कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल क्या होता है इस क्वेश्चन में वैसे भी इसका कोई रिलेवेंस है नहीं और आ, आगे बढ़ते हैं ऑन जनवरी वन टू ध्यान रखना इस मंथ को जनवरी को यानी कि पूरा दो चलेगा ये जो डिबेंचर्स है इनकी फ़ेस वैल्यू है सौ रुपये की और मार्केट में ये अभी नब्बे रुपये के मिल रहे हैं तो मार्केट प्राइस कितनी होगी सर इनकी नब्बे रुपये की फ़ेस वैल्यू सौ रुपये की चौदह रुपए का आपका कूपन हो गया लेकिन अब ध्यान देना सेकंड वाले पैराग्राफ पे इंटरेस्ट जो पे किया जाएगा इन एनसीडी पे एनसीडी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स पे ये पे किया जाएगा पोस्ट डेटेड चेक्स के थ्रू जो कि होगा 30 जून और 31st दिसंबर सबसे पहले तो ये चीज समझो कि साल में दो बार पे किया जा रहा है इंटरेस्ट ये सॉरी यानी कि ये हाफ ईयर पेमेंट हो गया यानी कि ये जो है ये सात परसेंट लगेगा छः छः महीनों के लिए और अगर ये सात परसेंट हो रहा है कूपन रेट तो वाई भी आधा होना चाहिए अगर डिस्काउंटिंग करनी है तो ठीक है इसके बाद इन्होंने बोला कि जो हम इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे वो आज ही चेक बना देंगे और एक चेक पर डाल दिया हमने जून तीस दो फिर थर्टी दिसंबर दो फिर जून तीस दो हज़ार आठ थर्टी फर्स्ट दो हज़ार आठ इंटरेस्ट पेमेंट्स फॉर द फर्स्ट थ्री ईयर्स विल बी पेड इन एडवांस थ्रू पोस्ट डेटेड चेक्स अब देखो कैसे बेवकूफ़ बना गया है यहाँ पे आपको बस कंफ्यूज कर रहे हैं वो बोलते हैं कि एडवांस में पे कर देंगे हम इंटरेस्ट का लेकिन ये नहीं बोला कि कैसे पेमेंट कर रहे हैं पोस्ट डेटेड चेक्स इन चेक्स पे तारीख आगे की दी हुई है तो आज अगर मैं आपको तीनों साल के छः चेक बनते हैं वो दे भी दूं तो भी आपके कुछ काम के नहीं है जब तक वो तारीख आ नहीं जाती आप बैंक में सबमिट करोगे तो वो क्लियर होंगे ही नहीं जब तक वो तारीख आ नहीं जाती तो वो क्या काम के तो हम उसको एडवांस पेमेंट मानेंगे क्या जब आपके बैंक अकाउंट में वो पैसा आज आएगा ही नहीं आपको तो टाइम टाइम पे ही पेमेंट आएगा जब आना चाहिए था तो ये पूरे स्टेटमेंट का कोई लेन नहीं है पोस्ट डेटेड चेक्स पेड इन एडवांस ये सिर्फ आपको कन्फ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है कोई रिलेवेंस नहीं है क्वेश्चन सिंपल है बनाया गया कॉम्प्लेक्स है ठीक है तो वही मानके चलो जब डी हो रहा है तब पेमेंट होगा आगे और अगले दो साल के जो चेक है वो तीसरे साल के बाद बांटे जाएंगे सब साला रुपए मिल जाएंगे दो हजार सात से दो हजार ग्यारह अगर निकाले तो चार साल होते लेकिन दो हजार सात जनवरी में इशू किया था और दो हजार ग्यारह डिसंबर में ये एक्सपायर हो रहा है एक साल ज्यादा पूरा साथ आठ नौ दस और ग्यारह पूरा तो पाँच साल होते हैं उसको खैर इन्होंने यहाँ पे एट द एंड ऑफ फाइव ईयर्स लिख दिया नहीं लिखते तो बच्चे गलती करना चालू कर देते वो चार ही साल लेते हैं यहाँ पे। बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसा होता है तो अगली बार जब ये क्वेश्चन आएगा तो जरूरी नहीं है Institute को अगर थोड़ा सा भी डिफिकल्ट तो सिर्फ एट हटा देंगे और देखना पैनिक जब रहता है ना बच्चा के इसमें सॉल्व करने में चालू करते हैं क्योंकि उसका टाइम बचाना है जल्दी सॉल्व करना है आगे बढ़ना है थोड़ा पेशेंटली क्वेश्चन को समझा करो हर वर्ड कम होगी अब आपको जो निकालने बोला है वो है कैलकुलेट द करंट ईल्ड ये वाला आंसर बहुत ईजी है करंट ईल्ड हम निकाल चुके हैं पहले भी इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई मार्केट प्राइस अब आप सात रुपये डिवाइडेड बाई नाइन्टी भी लोगे यानी हाफ ईयर का इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस तो हाफ़ ईयर का ईल्ड आएगा उसको मल्टीप्लाइड बाय दो करना पड़ेगा क्योंकि साल में दो हाफ ईयर होते हैं तो बारह बाय छः करोगे इन टू हंड्रेड तो आंसर सेम ही आएगा और आप साल भर का लोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा यहाँ पे तो ये आता है फ़िफ्टीन पॉइंट फाइव सिक्स परसेंट इसके बाद उन्होंने बोला वाई टी एम वाई टी एम आप निकाल सकते हो देखो वाई टी एम दो तरीके से आई आर आर मेथड से भी निकाल सकते हो और एवरेज uh, मेथड से भी निकाल सकते हो इंस्टीट्यूट दोनों मेथड्स अलाउ करता है अगर हम एवरेज मेथड से जाएं तो कूपन प्लस रिडम्पशन वैल्यू माइनस मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय एंड डिवाइडेड बाय रिडम्पशन वैल्यू प्लस मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय टू अब आप थोड़ा ध्यान दो इस फार्मूले पे कूपन तो आप ले लोगे सात रुपये छः महीने का अगर आपने इंटरेस्ट छः महीने का लिया है तो कैपिटल अप्रिशिएशन भी तो छः महीने का लेना चाहिए ना आपने बराबर है तो रिडम्शन वैल्यू है आपकी सौ माइनस नाइन्टी दस रुपये का कैपिटल अप्रिशिएशन है डिवाइड बाय कितना करोगे ये बताओ पाँच करोगे तो पूरे पाँच साल होता है आपको डिवाइड बाय दस करना पड़ेगा छः छः महीने के पाँच सालों में दस पीरियड आते हैं उसको हम पीरियड बोलेंगे ठीक है तो जैसे ही दस से डिवाइड करेंगे वो छः महीने का कैपिटल अप्रीशिएशन निकलेगा छः महीने का इंटरेस्ट तो प्लस छः महीने का कैपिटल अप्रीशिएशन डिवाइडेड बाय एवरेज तो सात रुपये प्लस एक रुपये दस बाय दस डिवाइडेड बाय नाइन्टी फाइव एवरेज आएगा ये आपका छः महीने का वाई आएगा और आप देखो यहाँ पे छः महीने का वाई आपका निकल के आता है कुछ 8.54 ये तो उन्होंने निकाला पूरा डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड यूज़ करके पहले इन्होंने रेट लिया साढ़े सात परसेंट रुको हाँ और फिर लिया नौ परसेंट और दोनों पे निकाला और दोनों के बीच इंटरपोलेशन लगाया तो ये तो थोड़ा सा आपको देखना ही पड़ेगा अगर हम निकालते तो एट बाई नाइन्टी फाइव ऐसा कुछ तो आंसर आता जो भी आ रहा है एट पॉइंट फोर टू परसेंट आ रहा है हमारा यहाँ पे इनका एट पॉइंट फाइव फोर आ रहा है साल भर में करना है कन्वर्ट तो दो से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया सिक्सटीन पॉइंट एट फोर परसेंट आगे बढ़े अब हमने करंट ईल्ड वाई निकाल लिया ड्यूरेशन की बारी आती है अब ये है चीज़ सीखने वाली ड्यूरेशन भी निकालोगे तो हाफ ईयर में ही निकालना है आपको जब जब जो जो कैश फ्लो हो रही है और दस पीरियड तक निकालोगे अब जो वेटेड एवरेज लोगे एक से दस तक का वो साल तो है ही नहीं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस आपने पहले कॉलम में लिखा वो ईयर्स तो है ही नहीं और उसका ही वेटेड एवरेज निकालोगे तो वो भी ईयर्स नहीं आएगा ये ध्यान में रखना अगर ये छः महीने के पीरियड है तो वो भी छः महीने के ही पीरियड आएंगे तो अगर आपका ड्यूरेशन का आंसर यहाँ पे आता है सेवन पॉइंट फाइव जीरो इसका मतलब साढ़े सात साल नहीं हो सकते कूपन पीरियड कूपन पेइंग बॉन्ड है और हमने सीखा है जो भी बॉन्ड कूपन पे करता है उसका ड्यूरेशन मेचोरिटी से कम ही आता है मेचोरिटी पाँच साल की है तो साढ़े सात साल का कैसे आ सकता है ड्यूरेशन ये साढ़े सात हाफ़ ईयरस है यानी कि आप तकरीबन लगा लो थ्री पॉइंट सेवन फाइव ईयर्स आ जाएंगे डिवाइड बाई टू कर दो ठीक है आगे देखो ड्यूरेशन जब हमने निकाला तो जब हमने ड्यूरेशन निकाला तो हमने सेम प्रोसीजर अप्लाई करी हमने एक से दस तक के पीरियड लिए ये ईयर काट के इसको पीरियड कर देना अभी वो ईयर नहीं रहा ना फिर कैश फ्लो लिया और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर देखो 8.54%, परसेंट जैसे ही आपने पिछले वाले में कैलकुलेट करा था वो ही ले लिया प्रेजेंट वैल्यू आ गई और हमने प्रोपोर्शन निकाला कि हर छः महीने के पीरियड में कितना परसेंट टोटल का रिकवर हो रहा है हमने वेटेड एवरेज किया तो ये जो आया है ये छः महीने आए हैं सेवन पॉइंट थ्री सिक्स फाइव हाफ ईयर्स और तो फुल ईयर्स कितने डिवाइड बाई टू कर दो आगे आपका अब देखो लास्ट वाला पार्ट जो मैं आपको समझा रहा हूँ कैलकुलेट द रियलाइज डील्ड आपने ऑलरेडी रियलाइज डील वाला कॉन्सेप्ट देख चुके थे आप देखना पीछे जाना और आपको याद आएगा एक क्वेश्चन था जिसमें रियलाइज डील में डेढ़ सौ कूपन था और जब भी कूपन आएगा डेढ़ सौ का उसे आप री इन्वेस्ट कर दोगे सोलह परसेंट से ऐसा लिखा था तो कूपन आया री इन्वेस्ट किया अगले तीन सालों तक खींच लिया फिर दूसरे साल कूपन आया री इन्वेस्ट किया सोलह परसेंट से दो सालों तक खींच लिया फिर कूपन आया री इन्वेस्ट किया एक सालों तक खींच लिया ऐसे करके स्टार्टिंग में एक फिगर थी हमारी कुछ नौ सौ रुपए की और आखिरी में एक फिगर थी और हमने देखा कि इन चार सालों में ये 900 का इतना अमाउंट सत्रह सौ समथिंग ये कितने परसेंट पर एनम से होता है उसे रियलाइज डील कहते हैं सिंपल फॉर्मूला हमने अपनाया था कंपाउंड अमाउंट का इस क्वेश्चन में और उसमें कोई डिफरेंस नहीं है सिवाय एक चीज के वहां वो बोल रहे थे कि बीच बीच में जितना भी इंटरेस्ट मिलेगा वो हम री इन्वेस्ट कर देंगे यहां उनका बोलना है कि बीच बीच में जितना भी इंटरेस्ट मिलेगा उस उसे आप री इन्वेस्ट नहीं कर सकते मतलब जेब में लेके बैठे रहो री इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं है तो कोई परसेंट भी नहीं दिया तो ये जो सात सात रुपए आपको पाँच सालों तक आ रहे हैं दस बार छः महीने में तो सत्तर रुपये होता है सत्तर रुपये जमा करते जाओ अब वो एक के साथ एक ऐड कर सकते हो ध्यान देना हम जनरली ये चीज बोलते हैं ना कि पहले पीरियड का सात रुपए दूसरे पीरियड के सात रुपए के साथ ऐड नहीं होता टाइम वैल्यू ऑफ मनी होती है लेकिन इस वाले क्वेश्चन में से उन्होंने टाइम वैल्यू ऑफ मनी को हटा ही दिया उन्होंने बोला री इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो इसका मतलब अब ये सात और ये सात मेरे लिए बराबर है क्योंकि जब मैं यहां पर पहुंचूंगा तो मेरे पास सात और सात चौदह ही रुपए रहेंगे पॉकेट में क्योंकि मैंने उसको री इन्वेस्ट किया ही नहीं तो मैं इन सबको टोटल कर सकता हूं अब क्वेश्चन का क्या बोलना है थर्ड पार्ट में ध्यान देना अब क्वेश्चन बोलता है कि देखो भाई पाँच साल हो गए आपके नब्बे रुपये एक सौ सत्तर हो गए सौ रुपये का रिडम्पशन सत्तर रुपये का इंटरेस्ट जो कलेक्ट करते लेते आए अब आप बताओ कि ये कौन से रेट से नब्बे रुपये एक सौ सत्तर बन जाता है पाँच सालों में सिंपल कंपाउंड अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इन ब्रैकेट वन प्लस आर टू द पावर टी कर दो अब आप डिवाइडेड बाय एन भी कर सकते हो वो सही है आर एन टू द पावर क्योंकि हाफ ईयर वाला किस्सा है यहाँ पे तो एन टी ठीक है ध्यान देना 170 सौ सत्तर नब्बे वन प्लस आर ये पर नाम आ जाएगा साल में कितनी बार कंपाउंडिंग हो रही है दो बार कंपाउंडिंग भी नहीं बोल सकते हम कंपाउंडिंग तो एक्चुअल में हो ही नहीं रही है ठीक है हटा दो कंपाउंडिंग तो हो ही नहीं रही है तो फिर कैसे लोगे आप ले लो क्योंकि फिर एक्चुअली इंस्टीट्यूट ने जो आंसर निकाला ना उसमें मैं बताता हूँ गलती क्या ली उन्होंने ऊपर में तो एन टी रख लिया डिनोमिनेटर में एन लिया ही नहीं और बाद में दिक्कत होती है चलो ठीक है मैं फिलहाल तो निकाल के देता हूँ आपको आंसर जो मेरे को ठीक लगता है यही आना चाहिए ठीक है 170 डिवाइडेड बाय 90 कर लो तो ये आता है 1.889 पॉइंट एट एट नाइन इज इक्वल टू वन प्लस आर डिवाइडेड बाई टू तो ये जो आर है ये पर एन एम है डिवाइड बाय टू किया तो हाफ ईयर का होता है टू द पावर टेन आएगा पाँच इन दो ठीक है अब ये टेन उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा वन पॉइंट एट एट नाइन टू द पावर वन बाई टेन हो जाता है इज इक्वल टू वन प्लस आर बाई टू अब इस चीज़ को कैसे निकालते हैं बहुत सिंपल कैलकुलेटर पे रखो वन पॉइंट एट एट नाइन स्क्वायर रूट का बटन दबाओ बारह बार माइनस वन करो डिवाइड बाय टेन करो क्योंकि डिवाइड बाय है टेन प्लस वन का बटन दबाओ इन टू इक्वल टू बारह बार कर लो आपका आंसर आ जाएगा चलो मैं करके देखता हूँ वन पॉइंट एट एट नाइन एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह माइनस वन डिवाइड by टेन प्लस वन एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तो मेरा जो आंसर आता है वो कुछ इस तरह से आता है वन पॉइंट ज़ीरो सिक्स फाइव सिक्स सिक्स फाइव सेवन इज़ इक्वल टू वन प्लस आर टू ये वन को इधर ट्रांसफ़र कर दोगे तो आंसर बचेगा पॉइंट जीरो सिक्स फाइव सेवन इज इक्वल टू आर टू टू को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा थर्टीन पॉइंट फोर्टीन परसेंट यह आपका पर एनम ईल्ड बनता है कि नब्बे रुपए एक सौ सत्तर हुए हर साल तेरह पॉइंट चौदह परसेंट से तेरह पॉइंट फोर्टीन परसेंट से जब मल्टीप्लाई होता गया मतलब बढ़ता गया यानी कि आपने हर साल कितना कमाया थर्टीन पॉइंट वन फोर परसेंट ये परसेंटेज और भी बढ़ जाता अगर बीच बीच की कैश फ्लोज को हम री इन्वेस्ट कर पाते किसी भी रेट पर एक परसेंट भी क्यों नहीं हो बट वो करने ही नहीं मिला हमें तो रेट हमारा कम आया अब देखो इनका आंसर थोड़ा सा वो आता है डिफरेंस हमारा आया था थर्टीन पॉइंट वन फोर अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यही आंसर प्रॉपर आएगा अब इन्होंने क्या किया ना आर डिवाइडेड बाई टू तो करा नहीं ऊपर में टू द पावर टेन ले लिया और ये क्या निकाला पॉइंट सिक्स जीरो सिक्स थ्री एट जीरो आया पता नहीं थोड़ा सा वेरिएशन आएगा आप ख़ुद कैलकुलेशन करके देखो आप तेरह पॉइंट वन फोर परसेंट जो हमने आंसर निकाला वो थोड़ा ज़्यादा ठीक लगेगा आपको अब ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है सर आइए देखते हैं <laughs> क्वेश्चन नंबर एटी टू थोड़ा सा माइंड अब फास्ट चलाओ करंट मार्केट प्राइस आपको निकालनी है बॉन्ड की बॉन्ड की करंट मार्केट प्राइस निकालनी है ना बहुत सिंपल सर ध्यान देना ये इसमें फिर आप क्वेश्चन क्यों ले रहे हैं ये तो हमें सॉल्व करने दो आपको दूंगा मैं आप ही को दूंगा मैं पर ध्यान दो करंट मार्केट प्राइस का फॉर्मूला क्या है इंटरेस्ट इनटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर प्लस रिडम्पशन वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितने ही सारे क्वेश्चंस में हमने देख लिया अब आप बताओ मेरे को रिडम्पशन कितनी होगी एक लाख की अच्छा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कौन से रेट से निकालना है इन्होंने क्लियर बोला कि वाई कितना होगा सोलह तो सोलह का छः साल का ले लो रेट चलो वन डिवाइडेड बाई वन पॉइंट वन सिक्स एक दो तीन चार पाँच छः तो यह आता है पॉइंट फोर वन जीरो और थ्री पॉइंट सिक्स एट फाइव सिर्फ एक चीज आपको क्वेश्चन में नहीं दी गई है वो है इंटरेस्ट क्योंकि आप देखना पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी कूपन रेट नहीं दिया हुआ है एक लाख की रिडीमेबल एट पार बोल दिया आफ्टर सिक्स इयर्स वाई टी एम सोलह परसेंट का दे दिया ड्यूरेशन दे दिया कहीं पे भी कूपन रेट की बात नहीं करी बट आप देखोगे कि ड्यूरेशन एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है जो कि एक्चुअल में देखा जाए तो इस फॉर्मूले में जरूरत भी नहीं थी बट उसी की मदद से हम पहले इंटरेस्ट निकालेंगे तो क्या ड्यूरेशन से ड्यूरेशन के फार्मूला से हम इन कूपन रेट निकाल सकते हैं यस yes, सर ध्यान देना ड्यूरेशन इज इक्वल टू अब आप दोनों तरीके अपना सकते हो टेबल वाला भी उससे भी निकलता है उसमें बहुत कैलकुलेशन करने पड़ेंगे यहाँ वाई माइनस वाई प्लस टाइम ले लो कूपन माइनस वाई ये थोड़ा याद तो करना ही पड़ेगा अब क्या बताऊँ मैं बहुत जगह पे कहानी आसान कर देता है मैंने बोला टाइम इम्पॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया ना उससे हाँ तो वन पॉइंट वन सिक्स डिवाइडेड बाई पॉइंट वन सिक्स आ गया यहाँ पे वन पॉइंट वन सिक्स प्लस टाइम है छः साल का कूपन रेट मुझे नहीं पता सोलह परसेंट बाय कूपन रेट मुझे नहीं पता वन टू द पावर छः माइनस प्लस पॉइंट वन सिक्स चलो धीरे धीरे करके सॉल्व करते हैं अब सारा कैलकुलेशन है देखो आगे क्या होता है वैसे तो करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए मुझे सेवन पॉइंट टू फाइव ठीक है फिर वन पॉइंट वन सिक्स प्लस सिक्स सी माइनस पॉइंट नाइन सिक्स डिनोमिनेटर में यह आता है 1.4523, पॉइंट फोर फाइव टू थ्री नहीं सॉरी थोड़ा सा वापस माइनस वन ये आता है वन पॉइंट फोर थ्री सिक्स फोर सी प्लस पॉइंट जीरो वन सिक्स और ध्यान देना आपको ड्यूरेशन की भी तो फिगर दी हुई है यहाँ पे टू पॉइंट फोर थ्री फोर पॉइंट थ्री टू जीरो टू फोर पॉइंट थ्री टू जीरो टू अब आपको बस ये पूरा इक्वेशन सॉल्व करना और कुछ नहीं पहले तो सेवन पॉइंट टू फाइव ध्यान देना सेवन पॉइंट टू फाइव इधर लो तो निगेटिव आंसर आएगा ठीक है चार में से सात माइनस करोगे यहाँ वाला नेगेटिव और ये वाला निगेटिव कैंसिल हो जाएगा तो चलो निगेटिविटी हट गई फिर आपको क्या करना है डिनोमिनेटर का पार्ट आपको इधर लेना है मल्टीप्लाई करना है और सी का आंसर निकाला अल्टीमेटली जो सी का आंसर निकलेगा वो निकलेगा सर पॉइंट वन फाइव यानी कि पंद्रह परसेंट कूपन रेट कितना हो गया पंद्रह परसेंट पंद्रह परसेंट एक लाख की फेस वैल्यू कितना हो गया सर पंद्रह हज़ार आपकी मार्केट प्राइस आ गई बताओ क्या दिक्कत है इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है आगे देखो यही चीज़ यहाँ पर निकाली हुई है बता रहा हूँ मैं टेंशन मत लो यही मेथड जो हम बोल रहे थे ध्यान देना ये ये थोड़ा सा ध्यान दो इस पर ट्राई करके देखो आगे सॉल्व तो करके देखो बिना आंसर दे सॉल्व करके देखो आपको आता है क्या ऐसे थे तो आपको लगेगा अरे हाँ सही किया आप स्टूडेंट हो वो आंसर है इंस्टीट्यूट का इंस्टीट्यूट को मत बोलो सही करा आप करके देखो और क्रॉस चेक कर लो यहाँ पे आंसर आपके देखने के लिए या ऑडिट करने के लिए नहीं है तो जो भी लोग ऑडिट कर रहे हैं ना वो इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं वो उनको अभी रियलाइज़ नहीं हो रही हाथ से पेन से खुद से करके देखना ही तो असली काम है सही है या गलत है इसको बता के क्या मतलब ठीक है इसके बाद ध्यान देना यह नाइन्टी सिक्स आपका आंसर तो आ जाता है अगर आपको वो फॉर्मूले से भी करना है समेशन ऑफ़ प्रेजेंट वैल्यू इन ईयर डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ये भी तो ड्यूरेशन होता है इस फॉर्मूले में भी रख लो चलेगा आपको सिर्फ क्या करना है हर साल जो कूपन मिल रहा है उसको एक्स मान लो और फिर सारा कैलकुलेशन करते जाओ आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे थोड़ा वेरिएशन आता है सत्रह रुपये का फ़र्क आ रहा है बट ठीक है ऑन एन एवरेज सही में पड़ता है वो बढ़ो आगे क्वेश्चन नंबर एटी थ्री क्वेश्चन नंबर एटी थ्री काफ़ी इंटरेस्टिंग है अब क्यों इंटरेस्टिंग है मैं ये भी बताता हूँ <coughs> आपने हमने एक लेक्चर देखा था बेसिक्स बिफोर रिस्क मैनेजमेंट उसमें हमने देखा था कि पोर्टफोलियो रिटर्न हम निकालते हैं तो सबसे पहले बात तो हो गई पोर्टफोलियो क्या होता है पोर्टफोलियो यानी एक से ज्यादा सिक्योरिटीज में या बॉन्ड्स में या किसी भी चीज में इन्वेस्ट करा तो उसका पोर्टफोलियो बनता है और पोर्टफोलियो रिटर्न कैसे निकालते थे हम समेशन ऑफ वेट इनटू रिटर्न करते थे यानी कि अगर उसमें दो शेयर्स हमने खरीद रखे तो हर शेयर का रिटर्न उसके वेट से मल्टीप्लाई करते थे वेट कहाँ से आता था कि हमने हर शेयर में कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है यह आ गया पोर्टफोलियो रिटर्न ठीक है अब थोड़ा सा क्वेश्चन पर ध्यान देना मिस्टर ए को एक लाख रुपये चाहिए दो साल बाद तो मेरा तो होराइजन जिसको बोलते हैं वो फिक्स हो गया कि भैया दो साल बाद अपने को पैसा चाहिए फॉर विच ही वॉन्ट्स टू मेक वन टाइम नेसेसरी इन्वेस्टमेंट नाउ आज अगर इन्वेस्ट करना है दो साल बाद एक लाख रुपए चाहिए तो आज एक लाख तो नहीं डालना पड़ेगा ये तो बहुत क्लियर हो गया सर तो क्या डालोगे एक लाख की प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कोई तो एक रेट होगा दो साल से दो साल बाद चाहिए ना तो दो साल से खींच के लेके आओ पता चल जाएगा आज कितना डालना है ठीक है आगे देखते हैं ही हैज अ चॉइस ऑफ टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड अब आज जितना भी डालना है जो कि अभी निकलना बाकी है वो हम दो तरह के बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं बॉन्ड एक्स और बॉन्ड वाई जिसकी फेस वैल्यू हज़ार रुपये कूपन रेट है सात परसेंट एक्स में बाई वाई में है आठ परसेंट वाई टी एम वाई टी एम बोलता हूँ एक ईयर्स टू मेचोरिटी जो है ये एक साल का ही बॉन्ड है और ये चार साल की मेचोरिटी है तो ध्यान देना आप बोलोगे सर एक्स में तो डाल ही नहीं सकते हमें तो दो साल बाद पैसा चाहिए और ये तो एक साल में ही ख़त्म हो जाएगा ऐसा नहीं है जब एक साल की मेचोरिटी दिए तो हम ये अज्यूम करेंगे कि एक साल बाद जब पैसा वापस आ जाएगा तो ये सेम बॉन्ड वापस अवेलेबल होगा उतने ही पीरियड उतने ही फीचर्स के साथ एक साल के लिए तो हम इसमें री इन्वेस्ट कर सकते हैं एक साल के लिए और ठीक है सर एक एक करके दो बार तो इन्वेस्ट कर लेंगे बॉन्ड एक्स में लेकिन अगर बॉन्ड वाई में करा तो सर चार साल पहले तो पैसा निकाल ही नहीं सकता नहीं ये भी गलत है चार साल पहले आप निकाल सकते हो देखो चार साल बाद तो बॉन्ड खत्म हो जाएगा ना तो कंपनी पैसा देगी लेकिन उसके पहले अगर आपको पैसा चाहिए तो ये बॉन्ड मार्केट में किसी और को बेच दो आई बात समझ में बैलेंस पीरियड के लिए वो कैरी करेगा चार साल बाद उसे पैसे मिल जाएंगे तो दो साल में हम वो भी बेच सकते हैं इसके अलावा बेसिकली हमारा पर्पज क्या है एक्स और वाई को दो साल तक चलाना दो साल तक हम बाद में बेच देंगे तो जो ड्यूरेशन है ना ड्यूरेशन ध्यान देना क्या बोल रहे हैं हम हमारी जो प्रेजेंट वैल्यू है आज जितना भी हम इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं वो जिस भी रेट से इन्वेस्टमेंट करेंगे दो साल बाद दो साल बाद हमें एक लाख रुपए बन के बना के मिल जाने चाहिए उससे तो जो ड्यूरेशन आ रही है वो भी यही होता है ड्यूरेशन का मतलब होता है कि कितने टाइम में आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो रिकवर हो रही है और प्रेजेंट वैल्यू ही हमने एक लाख की निकाली तो दो साल बाद जब रिकवर होगी तो कितने मिलेंगे एक लाख मिलेंगे दो साल बाद के रहेंगे वो एक लाख आज की तो अलग रहेगी दो साल बाद के वो एक लाख ही रहेंगे तो हमारा जो होराइजन है वो ये है कि भैया हम एक्स में डालें Y में डालें या X और Y में थोड़ा थोड़ा डालें दोनों का ड्यूरेशन जो है वो दो साल का ही होना चाहिए क्योंकि हमें दो साल बाद पैसे चाहिए तो बोलने का मतलब हमारा जो अगर हम X और Y दोनों में डालते हैं तो एक पोर्टफोलियो बनाएंगे और उस पोर्टफोलियो का जो ड्यूरेशन है वो दो साल आना चाहिए क्योंकि हमें तो उसी टाइम पे पैसे चाहिए और पोर्टफोलियो ड्यूरेशन भी उसी कॉन्सेप्ट बेस्ड है समेशन ऑफ वेटेड एवरेज ऑफ द ड्यूरेशन अब ड्यूरेशन हर एक का एक्स का वाई का पहले निकाल लो ठीक है निकाल लेंगे और उसके बाद देखेंगे कैसे करना है आगे देखो आपको अगर आज बॉन्ड खरीदना है तो प्राइस पता चल जाएगी इतनी प्राइस में एक बॉन्ड आएगा सर तो आप अगर दस हज़ार इन्वेस्ट करना चाहते हैं एक्स में तो दस हज़ार डिवाइडेड बाय ये कर लो कितने बॉन्ड खरीदोगे ये पता चल जाएगा उसके बाद करंट डील दिए दोनों की दस परसेंट यानी कि हम ये जो एक लाख मिलने वाला है दो साल बाद उसकी दस परसेंट से प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं दो साल की तो उसका फैक्टर आता है पॉइंट एट टू सिक्स यानी कि हम कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे सर बयासी हज़ार छः सौ रुपये ठीक है एट्टी टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड रुपीज़ हम इन्वेस्ट करेंगे आज का जो दो साल बाद ऑटोमेटिकली एक लाख हो जाएगा ठीक है सर अब ध्यान देना एडवाइस करो मिस्टर ए को वेदर ही शुड इन्वेस्ट ऑल हिज मनी इन वन टाइप ऑफ बॉन्ड कोई भी एक्स में करें या वाई में करें या फिर वो दोनों बॉन्ड खरीदें इफ सो so, अगर वो दोनों बॉन्ड खरीद खरीदें तो कितनी क्वांटिटी में उसने खरीदना चाहिए अज्यूम करो मान के चलो कि कोई भी कॉल रिस्क नहीं है या डिफॉल्ट रिस्क नहीं है अब कॉल रिस्क क्या होता है आपने देखा होगा एक क्वेश्चन कॉलेबल बॉन्ड सेकंड या थर्ड क्वेश्चन ही था जिसमें कंपनी के पास में राइट होता है कि मेचोरिटी खत्म होने के पहले ही वो बॉन्ड को बुला लेती है और रिडीम कर देती है ऐसे में हमारा सब गड़बड़ हो जाएगा अगर कंपनी ने वापस बुला लिया तो इसीलिए क्वेश्चन बोलता है कि मान के चलो कोई कॉल रिस्क है ही नहीं और डिफॉल्ट रिस्क भी नहीं है इसका मतलब जो बीच बीच में इंटरेस्ट का पेमेंट है वो बराबर मिलता जाएगा कंपनी डिफॉल्ट नहीं करेगी धोखा नहीं देगी ये तो खैर नहीं भी लिखा होता तो हम यही अज्यूम करते आए हैं अभी तक प्रैक्टिकलिटी कहाँ इन्वॉल्व करी कंपनी डूब गई तो सर क्या होगा कोई क्वेश्चन में आपने बीच में से पूछा सर ये कूपन पेमेंट बीच में से बंद होना हो गए मिलना तो क्या होगा नहीं क्योंकि हमने अज्यूम करा कि कंपनी बराबर चलती जाएगी आगे देखो अब हमने क्या करा हमारा पर्पज़ बहुत सिंपल और क्लियर था ड्यूरेशन निकालना हमने बॉन्ड एक्स का ड्यूरेशन निकाला और बहुत ही बढ़िया सी चीज़ बताता हूँ एक्स बॉन्ड जो है इसमें आप आज 972.073 डालोगे तो ठीक एक साल बाद उसमें आपको सत्तर रुपये मिलेंगे और एक हज़ार रुपये मिलेंगे एक ही साल का तो बॉन्ड है जितनी कैश फ्लो होनी है एक ही साल में होनी है और ड्यूरेशन का मतलब ही तो होता है टाइम वेटेड एवरेज ऑफ द टाइम और इसमें टाइम सिर्फ एक ही साल है तो हंड्रेड परसेंट वेट इसी को गया और किस कौन सा साल है जिसको वेट बट रहा है कोई नहीं तो एक साल के बॉन्ड का ड्यूरेशन भी एक ही साल आता है सर थोड़ा सा सीख लो यहाँ से है ना उसका आधा साल नहीं आएगा हाँ बीच में अगर कोई कैश फ्लो है तो बात अलग है लेकिन कैश फ्लो ही एक ही साल के एंड में है बॉन्ड भी वहीं पे ख़त्म हो गया आगे है ही नहीं कोई कैश फ्लो तो एक ही साल का आया अब ड्यूरेशन निकाल लो बॉन्ड वाई का चार साल का है सर अस्सी 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 रुपये मिलेंगे आखिर में वन जीरो एट जीरो मिलेगा दस परसेंट डिस्काउंटिंग रेट है प्रोपोर्शन निकालो वेट इन टू ईयर करो तो थ्री पॉइंट फाइव सिक्स थ्री आएगा ये तो करवाने की जरूरत नहीं बहुत सारे क्वेश्चन देख लिए ठीक है अब हमारे पास दोनों बॉन्ड का ड्यूरेशन आ गया अब ध्यान देना हमें अब निकालना है कि कौन से बॉन्ड में कितना पैसा डाले पोर्टफोलियो ध्यान देना यह है बॉन्ड मान लो और यह है ड्यूरेशन और यह है वेट कि कितना पैसा डाले ध्यान देना बॉन्ड एक्स बॉन्ड वाई ले लो ठीक है ड्यूरेशन इसका तो एक आ गया और इसका आया थ्री पॉइंट फाइव सिक्स थ्री अब वेट लेना है वेट ही तो निकालना है मेन तो ध्यान देना मान लो हम इसका वेट ले लेते हैं डब्ल्यू अब दो ही चीज़ें हैं तो टोटल वेट तो एक ही होगा तो वाई का वेट कितना हो गया वन माइनस डब्ल्यू करके देखो डब्ल्यू प्लस वन माइनस डब्ल्यू वन ही आंसर आएगा हंड्रेड परसेंट इज द टोटल वेट अगर कुछ वेट इसको चला गया तो बचा हुआ वेट तो इधर आएगा ना तो हंड्रेड माइनस वो वाला वेट कर दो वन माइनस डब्ल्यू ठीक है तो अब आप क्या करोगे ड्यूरेशन इंटू वेट करोगे वेटेड एवरेज निकालने के लिए ठीक है सर तो ये हो गया वन वेट और ये हो गया थ्री पॉइंट फाइव सिक्स थ्री इन ब्रैकेट वन माइनस वेट और ये वेटेड एवरेज ड्यूरेशन कितना आना चाहिए सर आपका दो आपका कितना आना चाहिए दो देखो अब यही चीज सॉल्व करी गई है आगे इन्होंने W लेने की जगह एक्स लिया तो दो इज इक्वल टू एक्स वन इन टू एक्स प्लस वन माइनस एक्स इंटू ये ये है वेटेड एवरेज ध्यान देना मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ पोर्टफोलियो ड्यूरेशन इज इक्वल टू समेशन ऑफ वेट ऑफ डब्ल्यू इंटू डी जिसको लिख सकते हैं वेट ऑफ एक्स बॉन्ड ड्यूरेशन ऑफ एक्स बॉन्ड प्लस वेट ऑफ वाई बॉन्ड ड्यूरेशन ऑफ वाई बॉन्ड तो वेट ऑफ एक्स इज़ एक्स वन मैंने जानबूझ के एक्स नहीं लिया डब्ल्यू लो क्योंकि एक्स तो बॉन्ड का भी नाम है तो फिर से एक्स लेके कोई मतलब नहीं है तो ये आपको डब्ल्यू का आंसर आ गया सिक्सटी वन परसेंट डब्ल्यू क्या था सर ध्यान देना डब्ल्यू था कि एक्स में कितना इन्वेस्टमेंट कराएँ अब देखो बहुत सिंपल सी बात है आपका सिक्सटी इन्वेस्टमेंट एक्स में आ रहा है तो थर्टी इन्वेस्टमेंट किस में जाएगा वाई में जाएगा ठीक है एक चीज़ तो क्लियर होगी अब सबसे पहले इन्वेस्टमेंट निकाल लो आप एक और चीज़ ध्यान दो आपको दो साल बाद एक लाख रुपये चाहिए दस परसेंट रेट है उसका दो साल का फैक्टर आता है पॉइंट एट टू सिक्स यानी कि आज कितना इन्वेस्ट करोगे एटी टू सिक्स हंड्रेड अब एटी टू सिक्स हंड्रेड ही तो आया टोटल इन्वेस्टमेंट एटी टू सिक्स हंड्रेड का सिक्सटी वन परसेंट यानी कि पचास हजार थ्री एटी सिक्स एटी टू सिक्स हंड्रेड माइनस पचास हजार थ्री एटी सिक्स थर्टी टू टू वन फोर ये होगा आपका इन्वेस्टमेंट एक्स और वाई में लेकिन क्वेश्चन ये चीज नहीं पूछ रहा है क्वेश्चन नहीं बोल रहा कितना इन्वेस्टमेंट करोगे क्वेश्चन बोल रहा है कि कितने बॉन्ड खरीदोगे जब भी खरीदेंगे मार्केट प्राइस पे खरीदेंगे मार्केट प्राइस क्या है सर नाइन टू पॉइंट सेवन थ्री और दूसरे वाले केस में आता है 936.52 डिवाइड कर लो आपको नंबर पता चल जाएगा फिफ्टी वन अब एक चीज़ समझो बॉन्ड कभी भी डेसिमल में नहीं मिलेंगे एक मिलेंगे या तो दो मिलेंगे तो इसको कर दो 52 इसको कर दो 34 या आप कर सकते हो 35 राउंड ऑफ कर लो अब इतना तो करना ही पड़ेगा इतने बॉन्ड हम एक्चुअल में खरीदेंगे जब इतने बॉन्ड खरीदेंगे अब सीधा जाओ पहले तो हम इतने बॉन्ड खरीदेंगे इतने खरीदेंगे खरी तो ये रेट पे खरीदेंगे तो इन्वेस्टमेंट इतना होगा इन दोनों का इन्वेस्टमेंट टोटल करेंगे तो टोटल इन्वेस्टमेंट एटी टू सिक्स हंड्रेड होगा और ठीक दो साल बाद यानी कि एक साल बाद इस बॉन्ड को वापस हम री इन्वेस्ट कर देंगे ये हम अज्यूम करके चल रहे हैं और ये तो हम बेच देंगे तो दो साल बाद हमारा ठीक दोनों में मिला के पोर्टफोलियो की वैल्यू एक लाख हो जाएंगी बेच देंगे दोनों मार्केट में ये तो खैर रिडीम हो ही जाएगा पहला वाला बॉन्ड दूसरा बेच देना अब ये तो मान के चलना पड़ेगा ध्यान देना क्या लिखा हुआ है आंसर में ये देखो यहाँ पर द इन्वेस्टर हैज़ टू कीप मनी इन्वेस्टेड फॉर टू ईयर्स देर the द इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट इन the द बॉन्ड्स विद द अजम्पन दैट बॉन्ड एक्स विल reinvested री इन्वेस्टेड फॉर अनादर वन ईयर ये अजम्पन है वो जो लिया है ऑन द सेम रिटर्न ठीक है आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर एट्टी फोर देखो क्या है आपके लिए होमवर्क है पहली बात तो एट्टी फोर और एट्टी फाइव सेम ही है ध्यान देना क्या निकालने बोला है करंट वैल्यू ऑफ जीज पोर्टफोलियो करंट वैल्यू निकालना है चार तरह के बॉन्ड है ए बी प्रिफरेंस शेयर सी डी इनमें दो रिडीमेबल है यानी इनकी कोई एक लिमिटेड लाइफ है बट ये दो परपेचुअल है ठीक है परपेचुटी में क्या फॉर्मूला आता है कि आप इंटरेस्ट न्यूमरेटर में ले, ले लेते हो डिवाइडेड बाय कॉस्ट ले लोगे प्रिफरेंस शेयर्स की अब इंटरेस्ट नहीं आएगा यहाँ पे प्रिफरेंस डिविडेंड आ जाएगा प्रिफरेंस शेयर है तो बस ऐसा करो आपका परपेचुअल शेयर्स की दोनों की वैल्यू आ जाएगी ध्यान देना और ये तो रिडीमेबल है तो इनका फॉर्मूला तो वही बनता है इंटरेस्ट इन प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर प्लस रिडम्पशन वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दोनों में लगाओ आंसर आ जाएगा तो एक एक का तो निकाल लो उसके बाद ये नंबर से मल्टीप्लाई कर देना आखिरी में करना नंबर से मल्टीप्लाई सही जाएगा आपका आंसर इन्होंने बीच बीच में करा है चारों की टोटल कर लो ये आ गए आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू क्या करना है इसमें आपको इतना कोई डिफिकल्ट है ही नहीं है देखो सेम सेम आगे चल रहा हूँ ये दो छोड़ के अब एट्टी सिक्स एट्टी सेवन एट्टी एट बहुत बढ़िया सर कॉन्वेक्सिटी सिटी पर थोड़ा सा ध्यान देना <coughs> देखो ये तीन जो क्वेश्चन है ना इंस्टीट्यूट के मटेरियल से नहीं है पहली बात तो काफ़ी आसान लग सकते हैं ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको दिया है कॉन्वेक्सिटी पे इतने क्वेश्चन है ही नहीं इंस्टीट्यूट के मटेरियल में तो वो जो एक हमने उस टाइम पे देखा था वो एग्ज़ाम में पूछा गया था डायरेक्ट तो देख लो थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी और क्या है एक बॉन्ड है जो कि करंटली ट्रेड कर रहा है नाइन्टी पे करंटली ट्रेडिंग का मतलब मैं क्या इसको पी वी मान सकता हूँ यस सर सौ की पार वैल्यू है अब बॉन्ड की जो वाई है अब मैं एक काम करता हूँ यहाँ लिखना शुरू करते हैं ध्यान देना पी वी जीरो आपको दी हुई है नाइन्टी एट पॉइंट सेवन टू टू पे क्वेश्चन आगे बोलता है कि अगर बॉन्ड की वाई टी एम हम बढ़ाते हैं दस बेसिस पॉइंट से दस बेसिस पॉइंट होता ही क्या है पॉइंट वन जीरो परसेंट या पॉइंट डबल जीरो वन डेसिमल में ठीक है अगर हम वाई टी एम पॉइंट डबल जीरो वन से बढ़ाते हैं तो प्राइस गिरेगी लेकिन वाई बढ़ाया तो हम इसको क्या बोलते हैं पी प्लस बोलते हैं प्लस का मतलब होता है वाई टी एम बढ़ाए प्रेजेंट वैल्यू नहीं बढ़ी ठीक है तो बोलता है कि बॉन्ड की जो पूरी प्राइस है वो 98.669 तक आ जाएगी इन्होंने निकाल के दिए और दूसरी लाइन में बोला है कि अगर 10 बेसिस पॉइंट से गिरा पॉइंट डबल ज़ीरो वन से गिरा तो बॉन्ड की प्राइस बढ़ के यानी पी माइनस नाइन्टी हो जाएगी तो हमको तीनों फिगर दे दी चेंज इन वाई टी एम भी दे दिया क्या निकालने बोला है अप्रोक्सिमेट कॉन्वेक्सिटी निकालो कॉन्वेक्सिटी का ये फॉर्मूला है फिगर्स रखो पी प्लस ये रहा पी माइनस ये रहा पी जीरो रहा चेंज इन वाई टी एम ये रहा कुछ भी और नहीं है सीधा सीधा निकल के आंसर आएगा कि कॉन्वेक्सिटी इतनी है इससे खाली होता नहीं काम इस चीज को बाद में आप चेंज इन वाई टी एम से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो इस चीज़ को बोलोगे कॉन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट तो चेंज इन वाई स्क्वायर कितना स्क्वा थर्टी का स्क्वायर तो ये होता है कॉन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट जो कि चेंज इन मार्केट प्राइस या मॉडिफाइड ड्यूरेशन में ऐड होती है ऐड ठीक है आगे बढ़े ये देखो एक बॉन्ड है जिसका एनुअल मॉडिफाइड ड्यूरेशन हमको 7.020 दे दिया गया है कॉन्वेक्सिटी भी हमको 65.180 जैसे ये निकाला वो भी दे दी है अगर बॉन्ड की वाई डिक्रीज होती है ट्वेंटी फाइव बेसिस पॉइंट से यानी कि पॉइंट डबल जीरो टू फाइव तो बताओ कि परसेंटेज प्राइस में कितना चेंज होगा क्या बोल रहा वो एडजस्टमेंट पूछ रहा है नहीं सर पूरी प्राइस पूछ रहा है कितने से बदलेगी तो पूरी प्राइस का वही ये फॉर्मूला है माइनस से शुरुआत होता है एनुअल मॉडिफाइड ड्यूरेशन इनटू चेंज इन हील्ड पहले आएगा ठीक है ध्यान देना डिक्रीज बता रहा है तो चेंज इन हील्ड माइनस में आना चाहिए आपका ये देखो यहाँ माइनस में आ रहा है ध्यान देना माइनस में प्लस ये बाकी वाला जो पार्ट है वो है कॉन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट का ये वाला पार्ट कॉन्वेक्सिटी इनटू चेंज इन यील्ड स्क्वायर अब आप बोलोगे कि देखो हमने सेवन माइनस से शुरुआत करी सेवन पॉइंट जीरो टू जीरो रखा चेंज इन यील्ड भी रखा फिर सिक्स फाइव सिक्सटी फाइव पॉइंट वन एट जीरो रखा आप बोलोगे कि सर यहाँ माइनस का साइन क्यों नहीं लिया अरे स्क्वायर कर रहे हो आप माइनस को भी स्क्वायर करोगे तो प्लस ही आता है प्लस को भी स्क्वायर करोगे तो प्लस ही आता है कोई भी फिगर ले लो आप टू का स्क्वायर करोगे तो फोर आएगा माइनस टू का स्क्वायर करोगे तो भी प्लस फोर ही आता है तो यहाँ पे लो या मत लो नहीं कुछ भी फ़र्क पड़ता अब इससे आंसर आ जाता है कि सेवन वन पॉइंट सेवन नाइन सिक्स परसेंट मार्केट प्राइस में बदलाव होना चाहिए कॉन्सेप्ट को समझो मॉडिफाइड ड्यूरेशन ये बोलता है कि वन पॉइंट सेवन फाइव फाइव से चेंज होना चाहिए लेकिन ये एरर आता है इसमें थोड़ा सा वेरिएशन आता है इसलिए उसको और हमने एडजस्ट करा तो करेक्ट और करेक्ट तो नहीं एक्यूरेट नहीं और एक्यूरेट आंसर आता है वन पॉइंट सेवन नाइन सिक्स परसेंट ठीक है ये वाला भी वा, पार्ट वैसा ही है सेम टू सेम करना है तो ये आप होमवर्क ले लो एटी नाइन पर ध्यान देना आप लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है बट हो जाएगा आसानी से बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्राइस इंफॉर्मेशन ऑफ फोर बॉन्ड आपको चार बॉन्ड दिए गए हैं आपको अज्यूमिंग दैट ऑल फोर बॉन्ड्स आर ट्रेडिंग टू ईल्ड फाइव परसेंट सबकी वाई टी एम है पांच परसेंट अब आप ध्यान देना चार बॉन्ड है जिसमें से दो बॉन्ड है पांच परसेंट कूपन रेट वाले और दो बॉन्ड है आठ परसेंट कूपन रेट वाले जो दो बॉन्ड है पांच परसेंट वाले उनकी मेचोरिटी चार साल पच्चीस साल जो आठ परसेंट वाले हैं उनकी मेचोरिटी भी चार साल पच्चीस साल ठीक है उन्होंने ईल्ड कितना बोला पाँच परसेंट यानी कि पाँच परसेंट पर ये इन्होंने मार्केट प्राइस निकाल के दिए तो ये हमारे लिए बन जाती है पी वी ज़ीरो ठीक है अब अगर यहाँ से वाई टी एम कम करोगे तो पी वी माइनस आएगा वाई टी एम बढ़ाओगे तो पी वी प्लस आएगा ठीक है आगे देखो परसेंटेज प्राइस चेंज बेस्ड ऑन एन इनिशियल ईल्ड ऑफ फाइव परसेंट उन्होंने उस चीज़ को बेसिस माना सौ रुपये को अब यहाँ से जितना आप कर कम करते जाओगे जितना आप कम करते जाओगे उतना मार्केट प्राइस में चेंज होता जाएगा इनिशियल इंड में तो आप देखो पाँच से अगर आप फोर पॉइंट सेवन फाइव जाते हो तो इतना परसेंट मार्केट में प्राइस जो है वो बढ़ जाएगी क्योंकि आप वाई कम हो रहा है इधर वाई कम हो रहा तो मार्केट प्राइस बढ़ेगी वाई बढ़ रहा है तो मार्केट प्राइस गिरेगी और इनफैक्ट आपको यहाँ पे वो चीज़ निकाल के भी दी हुई है कि अगर मान लो पाँच से फोर पॉइंट सेवन फाइव चला गया तो ये सौ रुपये की मार्केट प्राइस हंड्रेड पॉइंट नाइन जीरो वन वन हो जाएगी ठीक है ये आपको प्राइसेस भी दी हुई है आगे देखो अब क्या है अज्यूमिंग ऑल फोर बॉन्ड्स आर सेलिंग टू ईल्ड फाइव परसेंट कंप्यूट करना है वैल्यू ऑफ सी इन द कॉन्वेक्सिटी इक्वेशन फॉर ईच बॉन्ड हर बॉन्ड यूजिंग अ ट्वेंटी फाइव बेसिस पॉइंट रेट शॉक पच्चीस बेसिस पॉइंट का शॉक देना है पाँच परसेंट से पच्चीस बेसिस पॉइंट ऊपर पच्चीस बेसिस पॉइंट नीचे ध्यान देना 5% परसेंट से पच्चीस बेसिस पॉइंट ऊपर यानी कि ये वाली फिगर हो गई नीचे सॉरी फोर पॉइंट सेवन फाइव और ऊपर यानी कि ये फिगर हो गई यानी कि मैं बोल सकता हूं कि मेरा पी वी माइनस हो गया ये, ये हो गया पी वी माइनस और ये हो गया मेरा पी वी प्लस अब हर बॉन्ड के लिए तीन फिगर आपके पास अवेलेबल है पी वी माइनस पी जीरो पी प्लस और हर एक के लिए कॉन्वेक्सिटी निकालनी है आपको क्या चाहिए और नया बताओ चेंज इन नील्ड आपको यहाँ पे दिया हुआ है पॉइंट डबल जीरो टू फाइव ये जो आपने पहले वाले पार्ट में करा था ना एक बॉन्ड के लिए अब आपको तीन नहीं चार बॉन्ड के लिए करना है चार बार फार्मूला लगाना है चार बार ऐसी वाली आंसर आएगी कॉन्वेक्सिटी की निकाल सकते हो कोई दिक्कत है आपको सबका पी PV वी माइनस पी वी ज़ीरो और पी वी प्लस दिया हुआ है सबका बहुत डायरेक्ट डायरेक्ट दे दिया उन्होंने ठीक है तो ये देखो पहला पार्ट पी वी प्लस लिखा पी वी माइनस लिखा पी वी जीरो लिखा किसका सर पाँच परसेंट चार साल पाँच परसेंट पच्चीस साल आठ परसेंट चार साल आठ परसेंट पच्चीस साल चारों लिखा इन्होंने न्यूमरेटर अलग से निकाल लिया डिनोमिनेटर अलग से निकाल लिया कॉन्वेक्सिटी लिख दिया ये चीज़ टेबल फॉर्मेट में सही है फटाफट फटाफट होती है आपके एक बार फॉर्मूला लिखा आपने p प्लस पी माइनस ये सब करके कैलकुलेटर पे ही फटाक से लिख दिया कि न्यूमरेटर कितना आएगा फिर डिनोमिनेटर कितना आएगा और इन दोनों को डिवाइड करके कॉन्वेक्सिटी लिख दी आ गई कॉन्वेक्सिटी ठीक है सेकेंड पार्ट देखो यूजिंग द वैल्यू ऑफ सी कंप्यूटेड इन पार्ट वन जो पार्ट वन में आपने कंप्यूट करी अब आप बताओ कि कॉन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट क्या है पिछले क्वेश्चन में भी तो सर यही पूछा था नहीं पिछले क्वेश्चन में उन्होंने सिर्फ कॉन्वेक्सिटी पूछा था अब बोल रहे हैं कि कॉन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट क्या है तो जो पिछले क्वेश्चन में कॉन्वेक्सिटी पूछा था उसको जब आप चेंज इन वाई टी एम स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका एडजस्टमेंट आता है कि कितना परसेंट आपने जो मार्केट प्राइस में चेंज है उसको बढ़ाना चाहिए ठीक है फॉर अब बट लेकिन ये चारों बॉन्ड के लिए नहीं बोल रहा वो बोल रहा है कि जो पच्चीस साल वाले बॉन्ड है ना यानी कि मैं पेन बदल देता हूँ एक तो हो गया ये बॉन्ड एक तो हो गया ये बॉन्ड पच्चीस साल वाले सिर्फ उनका ये सी वैल्यू यूज़ करो और एडजस्टमेंट निकाल लो अज्यूमिंग दैट द ईल चेंजेस बाई टू हंड्रेड बेसिस पॉइंट अब यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हुई है क्या गड़बड़ हुई है कि ये जो कॉन्वेक्सिटी निकाली है वहाँ पे अज्यूम किया गया 25 बेसिस पॉइंट का फ़र्क पड़ेगा बट अब जब एडजस्टमेंट निकाल रहे हैं वहाँ पे सीधा 200 बेसिस पॉइंट का एडजस्टमेंट होगा बट अब कुछ कर कुछ नहीं सकते एग्जाम में उन्होंने क्लियर पहली लाइन में ही बोला है कि जो आपने पहले पार्ट में आंसर निकाला है उसी को इस्तेमाल करो ठीक है कर लेते हैं दो बेसिस पॉइंट का चेंज चाहिए तो जो भी आपने ये पहला आंसर निकाला उसको मल्टीप्लाइड बाय पॉइंट का स्क्वायर कर दो सौ बेसिस पॉइंट यानी पॉइंट डेसिमल में ये देखो ये आया यहाँ से आया यहां से उसको पॉइंट जीरो मल्टीप्लाई किया तो आता है कि जो चेंज आ रहा है मार्केट प्राइस में उसमें भी पांच पॉइंट सिक्स सेवन का चेंज होना और फोर पॉइंट एट एट का चेंज होना इन दो बॉन्ड्स में ठीक है तीसरा पार्ट देखो कंप्यूट द एस्टिमेटेड परसेंटेज प्राइस चेंज अब वो एग्जैक्टली exactly पूरी अमाउंट पूछ रहा है इसके पहले वाला जो पार्ट नहीं था पूरा एनुअल मॉडिफाइड ड्यूरेशन इन चेंज इन ईल्ड और ये माइनस साइन ये पूरा पार्ट यूजिंग ड्यूरेशन 14.19 अब आप थोड़ा सा ड्यूरेशन को यहाँ पे लिख लेना ये मॉडिफाइड ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं आप बोलोगे सर आपको कैसे पता वो आंसर में वैसे ही लिखा हुआ है उसका कोई और उपाय भी नहीं है मैकोलिस ड्यूरेशन लेके कर भी क्या लोगे आप मॉडिफाइड अपने मन से निकालोगे वो सब कैलकुलेशन बिगड़ेगा थोड़ा सा क्वेश्चन में आप बोल सकते हो कि एरर है उन्होंने क्लियर क्लियर मॉडिफाइड ड्यूरेशन लिखना चाहिए था उस ड्यूरेशन की जगह पर मॉडिफाइड ड्यूरेशन मान के चलो आगे देखते हैं कंप्यूट करना है आपको प्राइस चेंज पाँच साल वाला बॉन्ड पच्चीस साल आठ साल वाला बॉन्ड पच्चीस साल यानी कि ये वो ही दो बॉन्ड है जिनका एडजस्टमेंट आप दूसरे वाले पार्ट में निकाल चुके हो और यहां पे भी 200 बेसिस पॉइंट का ही एडजस्टमेंट है और आपको मॉडिफाइड ड्यूरेशन दे दिया तो क्या करना है ध्यान देना ये जो एनुअल मॉडिफाइड ड्यूरेशन है इसके जगह पे ये 14.19 और एट ट्वेल्व लिख लोगे चेंज इन ईल्ड में कितना आएगा सर 200 बेसिस पॉइंट लेकिन ध्यान देना यहाँ चेंज इन नील्ड में आपको बताना पड़ता है कि बढ़ रहा है कि कम हो रहा है क्योंकि कम हो रहा है तो माइनस साइन लेते हो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला गया कि 200 बेसिस पॉइंट बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं हमने क्या करना चाहिए दोनों आंसर निकालो बढ़ा तो कितना गिरा तो कितना तो दो बॉन्ड के दो दो आंसर निकलेंगे सर तो चार आंसर निकलेंगे टोटल दो बॉन्ड के दो दो आंसर यानी कि चार आंसर और कॉन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट तो आप निकाल चुके तो ध्यान देना यहाँ पर ये ये फॉर्मूला एनुअल मॉडिफाइड ड्यूरेशन इंटू चेंज इन हील्ड प्लस कॉन्वेक्सिटी इंटू चेंज इन का स्क्वायर ध्यान देना हमने पहले माना कि 200 बेसिस पॉइंट ये गिर रहा है ये बढ़ रहा है ये गिर रहा है ये, रहा है, ये, रहा है, ये बढ़ रहा है अगर गिरा तो माइनस का साइन आ रहा है बस फर्क इतना ही है तो 14.19, 14.19 दो बार लिया एक बार बढ़ाया गिराया और ये 5.67 पॉइंट सिक्स सेवन परसेंट यहाँ एडजस्ट करा ध्यान देना डेसिमल में लिखना है पहले तो और 4.88 आपने यहाँ पे एडजस्ट करा दो दो बार एक बार 200 बेसिस पॉइंट बढ़ाया एक बार 200 बेसिस पॉइंट कम करा तो आपके चार अलग अलग आंसर आ गए क्या आंसर का क्या, क्या, क्या मतलब होता है ध्यान देना कि अगर ये पांच परसेंट का जो पच्चीस साल का बॉन्ड है इसमें मैं दो परसेंट वाई टी एम गिरा दू तो मार्केट प्राइस थर्टी फोर परसेंट से बढ़ जाएगी बढ़ेगी पॉजिटिव आंसर आया अगर दो परसेंट वाई टी एम बढ़ा दूँ तो मार्केट प्राइस ट्वेंटी टू परसेंट से गिर जाएगी ट्वेंटी टू पॉइंट सेवन फाइव सेवन वन और ये और एक्यूरेट आंसर है दिस इज कॉल्ड चेंज इन मार्केट प्राइस मैन ये और एक्यूरेट आंसर है मॉडिफाइड ड्यूरेशन तो आपको सिर्फ इतना ही आंसर देता है फोर्टीन पॉइंट वन नाइन इंटू पॉइंट जीरो टू जो कि हम बोलते हैं गलत है अभी आप करके देखो फोर्टीन पॉइंट वन नाइन इंटू पॉइंट जीरो टू सबके लिए आंसर आएगा कि मार्केट प्राइस ट्वेंटी एट पॉइंट थ्री एट परसेंट से या तो बढ़नी चाहिए या तो गिरनी चाहिए जबकि यहां पे देखो थर्टी फोर और ट्वेंटी एट में कितना डिफरेंस है ये वो इनक्यूरेट आंसर है ट्वेंटी टू और ट्वेंटी एट में भी छः परसेंट का डिफरेंस थर्टी और ट्वेंटी एट ट्वेंटी वन और ट्वेंटी एट देखो ये और एक्यूरेट आंसर देता है आपको कॉन्वेक्सिटी आया समझ में आपको कैसे निकालना थोड़ा प्रैक्टिस करके देखो तभी आएगा बिना प्रैक्टिस के तो आएगा नहीं कभी भी कोई भी क्वेश्चन मैं शुरू करता हूँ डिस्कशन तो उसके पहले खुद करके देख लो एक बार मैं बता रहा हूँ इसका जो जादू है ना वो चीज़ का जो रिजल्ट है वो आपको एक्सेप्शनल मिलेगा टाइम लगता है मेहनत लगती है अब मैं शॉर्टकट तो कोई बता ही नहीं रहा हूँ क्वेश्चन नंबर नाइन्टी ऑनवर्ड्स एक नया कॉन्सेप्ट हम देखेंगे इम्यूनाइजेशन उसको बोलते हैं बॉन्ड इम्यूनाइजेशन ध्यान देना अभी थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर नाइनटी 90 और 91 सिर्फ दो क्वेश्चन है बॉन्ड इम्यूनाइजेशन पे तो कॉन्सेप्ट देखेंगे फिर ये क्वेश्चन देखेंगे उसके बाद हमारी लास्ट जर्नी चालू होगी बॉन्ड की वो है कन्वर्टिबल बॉन्ड कन्वर्टिबल बॉन्ड पे काफी सारे क्वेश्चन आएंगे यहाँ तक और उसके बाद थोड़ा बॉन्ड रिफंडिंग के दो चार क्वेश्चन है जिसमें से दो मैं करूँगा दो होमवर्क जाएंगे सिमिलर नेचर के होने के बाद और क्वेश्चन नंबर एक से मनी मार्केट चालू होगा तो अगले लेक्चर में आप मान के चलिए ज़्यादा से ज़्यादा तीन लेक्चर आप मान के चलिए कि पूरा हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा आई नो सिक्योरिटी वैल्यूएशन में काफ़ी टाइम लगा है लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी यहाँ पे है, और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बहुत हैं तो कॉन्सेप्ट समझाने में ज़्यादा टाइम लग जाता है अभी क्या पोर्टफोलियो में क्या होगा Formulas है बहुत सारे तो धीरे 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 कवर होते चला जाएगा बहुत सारी जगह पर क्या है कि कॉन्सेप्ट एक ही है क्वेश्चन ज़्यादा है तो उसमें ज़्यादा फिर फोर्स करना आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती तो थोड़ा सा पेशेंस रखो हम चल रहे हैं थोड़ी स्पीड पकड़ेंगे हम जल्दी ख़त्म करेंगे आई नो आपको भी काफ़ी जल्दी होगी जहाँ जहाँ पर रिपीटेशन आएगा वहाँ मैं भागूँगा भागूँगा मतलब भगाऊँगा और जहाँ जहाँ पर कॉन्सेप्ट है वहाँ पर मैं आपको शांति से समझाऊँगा मेरी बात को ध्यान से समझना प्रैक्टिस आपके ऊपर है प्रैक्टिस आपके ऊपर है हर क्वेश्चन में जो ट्रिक है जो बेवकूफियां हैं या जहां पे हम गलती कर सकते हैं वो सब मैं आपको बता रहा हूं सब कॉन्सेप्ट भी पूरा अच्छे से समझा रहा हूँ तो प्रैक्टिस तो आपको करनी है थोड़ी ठीक है करो सर मैं देखना फिर जादू क्या आता है ये क्या है इतना जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के या फिर इतना टाइम टाइम तक बैठ के अभी ऑलमोस्ट नौ बज रहे रात के रिकॉर्ड करके पैसे कमाना इज़ नॉट द पर्पज़ सर थोड़ा सा समझो बात को दो चीज़ होती है जो पैसे के पीछे भागता है ना तो पैसा नहीं आता इतना हाथ में बट जो पैशन के पीछे भागता है जिसको मजा आता है वो चीज़ करके उसको तो पैसा मिल ही जाता है बट वो जो सेटिस्फैक्शन मिलता है ना जब रिजल्ट रहता है जब बच्चे मैसेज करते हैं जब पता चलता है कि हाँ बच्चों ने कॉन्सेप्ट समझा है और बाकी लोगों से थोड़ा डिफरेंट समझाया गया है मैंने मैंने समझाया है तो मुझे एक सेटिस्फैक्शन मिलता है सो ऑल आई एम डूइंग दिस अंडरस्टैंड आई एम नॉट डूइंग इट फॉर यू आई एम डूइंग इट फॉर माई सेल्फ फ़ॉर माई सेटिस्फैक्शन और मैं अगर सेटिस्फाई नहीं हो पाया तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू सेटिस्फाई यू आया बात आपको समझ में ठीक है सर बाकी तो सब आप पे है इसलिए मैं क्या करता हूँ पता है कि मेरी मेहनत वेस्ट ना हो जाए चिंता इसी चीज़ की रहती है कि मेरी मेहनत वेस्ट ना हो जाए इसलिए बार बार आपको बोलता हूँ सर प्रैक्टिस करो मेरे करने से पहले करो गलती करना है गलती करो पता है तीन से चार वेंचर्स मेरे फेल हो चुके हैं ऑलमोस्ट मैंने 20 30 40 लाख रुपए तक का मेरा आज तक का नुकसान हो चुका है जो ऐसा लगता है कि यार ये चालीस लाख रुपये मेरे पास में होते तो मैं क्या नहीं कर लेता लेकिन समझो बात को मैं गलतियाँ नहीं करूँगा तो सीखूँगा कब इसके 40 लाख के बजाय 40 लाख के बदले में चार चार करोड़ के वेंचर जो एक या दो ही होंगे वो सक्सेसफुल भी तो हुए हैं अच्छे तो ये फेल्यूर ही है जो सिखाता है हम डर हम डरते हैं फेल होने से क्योंकि उसका जो नुकसान है जो दर्द है हमसे झेला नहीं जाता बस यही सारी चीज़ें हम हार जाते हैं असली हार तो वही हो जाती है जहाँ हम डर जाते हैं फेल होने से बाकी तो सर बाद में आता है एक आदत बना लो सक्सेस success, बन सक्सेसफुल बनने के लिए फेल्यूर से गुजरना पड़ेगा अब आप डिसाइड कर रहे हो गुजरना चाहते हो कि नहीं अगर आप फेल नहीं हो रहे इसका मतलब आप थोड़ा गलत रास्ते पे ही चल रहे हो कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो हर चीज में सिर्फ सक्सेसफुल ही होता है सो ट्राई द क्वेश्चन मेक द मिस्टेक कम टू द कॉन्सेप्ट कम टू द डिस्कशन ऑफ दैट क्वेश्चन अंडरस्टैंड द मिस्टेक नोट इट डाउन एंड मूव है हाइट क्वेश्चन छः सौ गलतियाँ चलेगी सर इतनी ज़्यादा गलतियाँ करने के बाद में मार्क्स बढ़ते जाएंगे प्रोपोर्शनेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है जितनी गलती आप करोगे उतने मार्क्स बट गलतियाँ घर पर होनी चाहिए द हायर द नंबर ऑफ मिस्टेक्स हायर विल बी द मार्क्स दैट यू विल बी गेटिंग इन द एग्जाम ऑल प्रोपोर्शन डायरेक्ट है बस ये दोनों चीज़ें एक जगह पे नहीं होनी चाहिए बोलने का मतलब है कि गलतियाँ एग्जाम में नहीं होनी चाहिए ये जो फेल्यूअर है ये एग्जाम में मत करो घर पे बैठ के करो चलो सर आगे बढ़ते हैं बॉन्ड इम्युनाइजेशन का कॉन्सेप्ट देखेंगे अगले लेक्चर में फिलहाल के लिए सिर्फ बाय बाय